The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। सोच लो, बात खत्म करनी है या कहानी शुरू? ये काम तो पुलिस का है। पैसा तो वहां भी देना है, आपको भी। मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। नागा साहब के लिए एक टैक्सी मंगा। मैं टैक्सी से क्यों जाऊंगा, मेरी तो गाड़ी। मैंने कहा ना, मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। मार डालेगा सर। 10-15 मिनट का सवाल है, चार्ज होते ही मैं चला जाऊंगा। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े? मालिक हूँ मैं 9 लोग का, जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सदियों से देखता एक खामोश गवाह भी मैं। मैं रात हूँ, मैं शाम हूँ, मैं तमाम हूँ, मैं बनाता, बिगाड़ता, समेटता, मरोड़ता। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। शैतान से वनराज उर्फ माधवन का ये डायलॉग इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फिट बैठ रहा है। अजय देवगन की फिल्म शैतान बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है, इतनी बढ़िया कि 10 दिनों में ही बजट वसूल कर लिया। संडे तक इस फिल्म ने देश भर से 103 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं, जो कि तारीफे ही काबिल है, जबकि इसका बजट बस 55 करोड़ रहा। 8 मार्च को रिलीज हुई शैतान की कमाई वीकडेज में भी मजबूत बनी हुई है। वीकेंड के बाद सोमवार से फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी दिखी है, मगर वो इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर फोकस किया जा सके, और डबल डिजिट में थी तो ये सुकून था। शैतान ने पहले दिन 15.21 करोड़, दूसरे दिन 18.18 करोड़, तीसरे दिन 20.74 करोड़, चौथे दिन 7.81 करोड़, फिफ्थ डे 6.57 करोड़, सिक्स्थ डे 6.25 करोड़, सातवें दिन 5.75 करोड़, आठवें दिन 5.05 करोड़, नौवें दिन 8.5 करोड़ और दसवें दिन 9.75 करोड़ कमाकर टोटल 103 करोड़ अपने नाम कर लिए हैं। शैतान को दो चीजों का फायदा मिला है। अव्वल तो फिल्म की क्वालिटी है ही, ये एक वेल मेड फिल्म है। हॉरर जॉनर में काफी समय से कुछ फ्रेश नहीं आया था, खासकर किसी ए लिस्ट स्टार के साथ तो नहीं, इसलिए फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है। दूसरी चीज कि ये टिकट खिड़की पर शैतान का कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा। अजय देवगन की फिल्म के साथ रणदीप हुडा की तेरा क्या लवली रिलीज हुई थी, जो कि वॉश आउट साबित हुई।
इसका फायदा शैतान को पहुंचा। वही सिद्धार्थ की युद्ध और द केरला स्टोरी फिर मदर शर्मा की बस्टर द नेक्स्ट स्टोरी भी इतना कुछ खास नहीं कर पाई। युद्ध तो फिर भी चल गई लेकिन शैतान ने बस्टर को तो पूरा ही निकल गया है। शैतान ने साल 2023 में आई गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में बेटी का रोल करने वाली जानकी बोदीवाला ने ही रीमेक में बेटी वाला रोल किया है। जानकी के साथ फिल्म में अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका ने लीड रोल्स किए हैं। इस फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। शैतान की कहानी वेकेशन पर गए एक परिवार के बारे में है जो वशीकरण के चक्कर में फंस जाता है। कबीर की बेटी जानवी को वनराज नाम का एक अनजान व्यक्ति अपने वश में कर लेता है। अब आगे क्या होता है ये फिल्म को दिखाने में ही पता लगेगा। आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollygrad Studios। साल 2023 सिनेमा इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल रहा। जवान, पठान, डंकी, गदर 2, OMG 2, तो झूठी मैं मक्कार, जुग जुग जियो, सत्य प्रेम की कथा ने सिनेमा में कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बना दिया। फिर 2024 की फर्स्ट रिलीज फाइटर ने कुछ खास कमाल नहीं किया लेकिन लोगों में सिनेमा को लेकर एक नया क्रेज जरूर देखने मिला। उसके बाद अब अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया शुरुआत की है। शैतान ने साबित किया कि जॉनर चाहे कोई भी हो, कहानी और कैमरा वर्क अगर अच्छा हो तो मजा ले की ऑडियंस कुर्सी छोड़कर उठ जाए। लेकिन क्या शैतान 2023 की हिट्स को मात देगी? चलिए थोड़ा देखते हैं। अप्रोक्स 15 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म की इतनी डिमांड होगी ऐसा तो मेकर्स ने खुद भी नहीं सोचा होगा। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी इस हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस इतनी उतावली है कि थिएटर्स के मालिकों को शैतान के लेट नाइट शोज ऑर्गेनाइज करवाने पड़ रहे हैं। हालांकि लेट नाइट मूवी को देखने से आपको सुनसान सड़कों पर शैतान दिख भी सकता है। मुंबई में शैतान के लेट नाइट शोज 10 मार्च से शुरू हुए। लास्ट शो रात के 11:55 पर हुआ। वहीं मुंबई के कई मल्टीप्लेक्स जैसे सिनेपोलिस अंधेरी, मेसन आइनॉक्स, BKC और मूवी मेकर्स मीरा रोड पर स्थित थिएटर्स के आखिरी शोज शैतान के थे जिसकी टाइमिंग 11:59 रही। खास बात यह है कि इतनी देर रातों के शोज होने के बावजूद एडवांस बुकिंग में तेजी से ये लेट नाइट शोज के लिए बुकिंग हो रही है। अजय देवगन की प्रोड्यूस की हुई इस फिल्म को जनता का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। यही वजह है कि फिल्म 2 दिनों के अंदर 33 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। शैतान ने पहले दिन 14.7 करोड़ रुपए कमाए हैं, दूसरे दिन 18.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। थोड़ा सा गणित और लगाएंगे तो पता चलेगा कि शैतान ने पहले दिन से 27% ज्यादा दूसरे दिन कमाई कर ली है। वहीं तीसरे दिन शैतान ने 20 करोड़ की कमाई की। तीनों दिनों में कुल मूवी 53 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है। ऐसे अगर रहा तो जल्द ही ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारेगी। लेकिन शैतान का मुकाबला 2023 की हिट फिल्म से है क्योंकि भाई अजय की फिल्म है, छोटे मोटे स्टार्स से मुकाबला तो करेगी नहीं। तो इसी में पठान को देख लेते हैं। पठान ने थर्ड डे पर 34 करोड़, जवान ने 77 करोड़, गदर 2 ने 51 करोड़ और फाइटर ने 74 करोड़ का बिजनेस किया था। इन सबको देखा जाए तो शैतान तो बहुत पीछे है मेरे दोस्त, पर बजट को देख ले तो गदर 2 को छोड़कर सबके बजट 200 करोड़ के पार थे और शैतान का बजट है 65 करोड़। इस हिसाब से शैतान अपनी सही टारगेट से बिजनेस कर रही है। वहीं इसकी गुजराती वर्जन वश, जिसका शैतान ऑफिशियल रीमेक है, उसकी बात करें तो उसे बस 3 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और उसे उतना वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से वो फिल्म एवरेज ही रही थी। वही एक प्रॉफिट ये भी है कि शैतान के सामने बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं है, इसीलिए भी इसके चलने के काफी उम्मीदें हैं। कलेक्शन की छोड़ भी दें तो फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा है, मतलब इसकी खूब तारीफ हो रही है, मतलब जो मूवी देखकर आ रहे हैं इसे देखने की राय भी दे रहे हैं, इसीलिए पॉसिबल ये भी है कि फिल्म बढ़िया कमाई करेगी। शैतान अजय देवगन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जिसके परिवार को छुट्टियों के दौरान एक अजनबी इंसान द्वारा परेशान किया जाता है। अजय देवगन फिल्म्स और पैनोरामा बैनर तले तैयार हुई फिल्म शैतान को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। आपको फिल्म कैसी लगी और क्या लगता है कितने दूर तक ये जा सकती है हमें कमेंट में बताएं। Until then, keep on। बाप अपनी बेटी को शैतान से बचाने के लिए किस हद तक चला जाता है, कैसे वो शैतान से लड़ता है, चालाकी से उसे ट्रैप करता है, मैंने तो फिल्म देख ली लेकिन आपको इनके सवालों का जवाब सिर्फ फिल्म देखने पर ही मिलेगा। फिर भी एक स्पॉइलर देने से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है।
वो स्पॉइलर है कि अजय की दृश्यम वाली चालाकी। अगर आपने दृश्यम देखी है तो आपको पता होगा और आपने उसमें देखा भी होगा कि कैसे अजय अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें भी उसने फिल्म से देख देख कर खुद को ट्रेन किया था। वैसे ही शैतान में भी वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया है। क्लाइमेक्स काफी अच्छा है जिसकी उम्मीद नहीं थी, कबीर ने वो क्लाइमेक्स भी किया है, लेकिन दृश्यम में ये बॉडी को छुपाने और शैतान से काफी कुछ सिमिलर है। अब क्या सिमिलर है ये आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फर्स्ट डे कलेक्शन की। इंडस्ट्री ट्रैकर सेक्निकल के मुताबिक अलौकिक हॉरर फिल्म से पहले दिन 14.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। शुक्रवार को फिल्म को ओवरऑल 24.70% हिंदी ऑक्यूपेंसी मिली। विकास बहल द्वारा डायरेक्टेड शैतान में जानकी बोदीवाला भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। शैतान ने लगभग 1,95,000 टिकट एडवांस में बेचे हैं, जिससे दूसरे दिन पहले ही 4.90 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। फिल्म को फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कम कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को ही रणदीप हुडा और इलियाना डिक्रूज की तेरा क्या होगा लवली भी रिलीज हुई, जो खास टक्कर नहीं दे रही है। अजय की लास्ट फिल्म तब्बू के साथ फिल्म भोला में थी, उसने अपने फर्स्ट डे 11 करोड़ रुपए कमाए और टोटल 90 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वही शैतान की पहले दिन की कमाई दृश्यम 2 की ओपनिंग के बराबर ही है, जिसने 15.38 करोड़ रुपए कमाए थे। दृश्यम 2 ने इंडिया में टोटल 239 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो क्रूशियल डेज में बड़ी हिट साबित हुई थी। वही शैतान के विलन वनराज उर्फ आर माधवन अपनी लास्ट रिलीज जैसे रॉकेट द नॉम्बी इफेक्ट और धोखा अराउंड द कॉर्नर के साथ सोसो रिजल्ट्स ही देखने को मिले थे। रॉकेटरी के बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई थी, जबकि धोखा अराउंड द कॉर्नर को बिल्कुल ही फुस निकली थी, जिससे शैतान विलन के लिए ये एक महत्वपूर्ण रिलीज बन गई। नंबी नारायण के जीवन पर बेस्ड रॉकेटरी ने फर्स्ट डे बस 1.78 करोड़ रुपए ही कमाए थे। धीमी शुरुआत के बावजूद ऑडियंस ने फिल्म को हाथों हाथ लिया और ये वह 4 हफ्तों में भारत में 34 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही। दूसरी ओर धोखा अराउंड द कॉर्नर ने बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करते हुए टोटल 3.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि माधवन हाल ही में हिट नेटफ्लिक्स सीरीज द रेलवे मैन में दिखाई दिए। वहीं डायरेक्टर विकास बहल, जिन पर हैशटैग मी टू प्रोटेस्ट के दौरान अब्यूजिंग का ब्लेम भी लगाया गया था, जिसके बाद में उन्होंने झूठा करार कर दिया था, जिन्होंने लास्ट टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की गणपत पाठ का निर्देशन किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह गिरी थी। कुल मिलाकर डायरेक्टर और विलन माधवन के पास शैतान को हिट कराने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। शैतान अजय देवगन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके परिवार को छुट्टियां मनाने के दौरान एक अजनबी इंसान द्वारा परेशान किया जाता है। फिल्म से कुछ सीखा भी है जो मिलती है। एक सीन में माधवन उर्फ वनराज डायलॉग बोलते हैं कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वो भगवान से पैसे के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन जब पैसा मिल जाता है तो उसी भगवान को उसी पैसे से खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान लालची है, स्वार्थी है। बात चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव में बोली गई हो, पर बोला तो उसने ठीक है। वही फिल्म की एक कमी ये भी है कि इसमें शैतान का मूवी क्या है, कह सकते हैं कि शैतान के इस मूवी का मोटिव क्या है, क्यों उसने ऐसा किया और उसकी बेटी को मेंशन क्यों किया गया। ये सब पर्दे खोले ही नहीं गए हैं। इन सब के चलते ऐसा लगता है कि शैतान का सीक्वल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा वास्ट टॉपिक है जिस पर कई बार और कई तरीके से बात की जा सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कॉमेंट में बताएं। Until then, keep watching Bollywood Studios. सिनेमा में आज अजय देवगन आर माधवन ज्योतिका की शैतान रिलीज हुई, जिसमें थ्रिलर और हॉरर एक्सपीरियंस मिला। साउंड इफेक्ट्स और कैमरा वर्क पर इतनी बारीकी से काम किया गया है कि बस मजा ही आ जाता है। फिल्म में इसके अलावा जो बात है वो है फैमिली बॉन्ड, नया पेन और कुछ थ्रिलिंग देने का। लेकिन शैतान ऐसी पहली फिल्म नहीं है, इसके अलावा भी पहले भी कुछ ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, आ चुकी हैं, जो आपको साउंड इफेक्ट्स के जरिए भी हॉरर एक्सपीरियंस दे सकती हैं, जिसमें पहली मूवी का नाम है नोप। ये मूवी 2022 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर आपको एक छोटा सा गाँव दिखाई पड़ेगा। उस गांव के अंदर बहुत कम आबादी रह रही होती है और उसी कम आबादी के अंदर एक भाई बहन भी रह रहे होते हैं। अब होता क्या है कि उन दोनों भाई बहनों को एक दिन अचानक आसमान के अंदर एक UFO उड़ता हुआ दिखता है और उनको लगता है कि उन्होंने एक नई चीज डिस्कवर कर ली है, जिससे वो अपना नाम काफी न्यूज वगैरह के अंदर पॉपुलर करा सकते हैं। तो उस UFO को कैप्चर करना चाह रहे होते हैं कैमरा वगैरह की हेल्प से।
तो वो ये चीज कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर कहानी में क्या अचानक से बीच में एक ट्विस्ट आता है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। वैसे तो मूवी के अंदर आइडिया काफी अच्छा लिया गया है, लेकिन जब मूवी देख रहे होते हो तो मूवी की स्लो फेसिंग काफी ज्यादा बोर करने लग जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस डिस्टेंस्ड हॉरर एक्सपीरियंस को करना चाहते हैं तो एक नई कहानी के साथ, और जॉर्डन पिले जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका अगर आपने काम पहले कभी देख रखा है तो उनके डायरेक्शन के बारे में आपको पता है, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको जरूर पसंद आएगी। एंड आई हाईली रेकमेंड यू दिस मूवी। अब दूसरी फिल्म है सॉ एक्स। इस मूवी के अंदर एक जॉन नाम का बंदा होता है जिसको हाल ही कैंसर हो गया होता है। उसे अपनी मर्ज का इलाज नहीं मिल रहा होता है तो वो काफी ज्यादा खोजबीन वगैरह करने लग जाता है, और उसको पता चलता है कि मैक्सिको के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है जिससे उसको कैंसर ठीक हो सकता है। हालांकि चीज बड़ी रिस्की है, लेकिन ठीक फिर भी हो सकता है। फिर वो अपना कैंसर ठीक कराने मैक्सिको पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कहानी कुछ और ही मोड़ पे आ जाती है। इतना डिफरेंट प्लॉट दिखाया जाता है कि हमारी भी इमेजिनेशन वहां तक नहीं पहुंच सकती। जैसे कहानी एकदम से पलट जाती है, और फिर क्या चीजें आगे होती हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सौ फिल्म की सीरीज है, अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर अपने हॉरर के लिए जानी जाती है। आप में से काफी लोगों ने इसको पहले देखा होगा या पुरानी मूवीज भी देख रखी होंगी, लेकिन काफी टाइम से ये सीरीज थोड़ी ढीली ढीली सी हो रही है। इसके अंदर कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप सौ एक्स देखोगे तो इस मूवी के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ नया एक्सपीरियंस करने को जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले यानी हमारी नेक्स्ट मूवी के तरफ, और इस मूवी का नाम है नो विल सेव यू। और ये मूवी 2023 के अंदर आई थी, और ये जो मूवी है ये एक साईफाई हॉरर मूवी है, मतलब इसके अंदर साइंस फिक्शन का भी थोड़ा सा टच ऐड किया गया है। और इसकी कहानी के बारे में बताने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें एक लड़की होती है जो कि अपने घर के अंदर अकेली रह रही होती है, लेकिन अचानक से उसके घर पर एक दिन हमला होता है। हमले भी क्या होता है, उसके घर पर अचानक से कुंडी खड़खड़ाने से कोई आता है, और वो कोई इंसान नहीं होता, वो बकायदा एक एलियन होता है जो कि अपना एक मकसद पूरा करने के लिए वहां पर आया होता है। अब उसका एक क्या मकसद है, वो क्या वो लड़की उसके बचने की कोशिश करती है तो लड़की बच पाती है या फिर नहीं, ये सारे सवाल के जवाब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे। मतलब मूवी के अंदर अचानक से एकदम ठहराव आ जाता है, और फिर ठहराव के बाद एकदम से दिल की धड़कने की आवाज आ जाती है। इसमें आपको कुछ ना कुछ फ्रेश जरूर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया, नए लेवल का हॉरर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो जरूर देखना। ये आपकी जानी मानी एप्लीकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है रॉ, और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी के अंदर एक लड़की होती है जो कि बचपन से हमेशा वेजिटेरियन रह रही होती है, और उसका पूरा खानदान वेजिटेरियन रहा होता है, लेकिन वो एक दिन कॉलेज में जाती है और वहां पर उसके साथ रैगिंग वगैरह होने लग जाती है। वहां की एक प्रथा होती है कि जो बहुत टाइम से चलती रहती है, कि तो उस लड़की को भी वो प्रथा फॉलो करनी पड़ती है, जिसके दौरान उसको एक छोटी सी किडनी खानी होती है, लेकिन वो वेजिटेरियन होती है तो कैसे खा सकती है, लेकिन उसको खाना ही पड़ता है। अब तो मजबूर होकर वो छोटी सी किडनी को तो खा लेती है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुछ तलब उठने लगती है, मतलब मीट को लेकर उसकी बॉडी जो होती है बार बार मांगने लगती है। उसकी जो भूख है वो नॉर्मल खाने से बुझ ही नहीं रही होती है, और धीरे धीरे उसको इंसान तक का मीट खाने का शौक लगने लग जाता है। तो अभी जब इसको इतना भयानक शौक लग जाता है तो वह किस तरीके से रिएक्ट करती है और क्या क्या इसके साथ होता है, हमको ये सब इस मूवी के दौरान देखने को मिलेगा। इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच है, इसकी वजह से किसी और लैंग्वेज के अंदर देखने को कभी तक नहीं मिली, तो इसको अगर आपको देखना है तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और ये वाली मूवी तो सीरियसली कमाल की थी मैन। इस मूवी का नाम है टॉक टू मी, और ये मूवी 2022 में आई थी। इस मूवी की कहानी घूमती है कि मिया नाम की लड़की के अराउंड, जिसकी मां ने अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसके पास उसके दोस्त भी होते हैं जिनको एक अचानक से एक सुपरनेचुरल चीज मिलती है, मतलब एक हाथ सा मिलता है, और उस हाथ से जब कोई हाथ मिलाता है तो वो इंसान जब उसके सामने बोलता है टू मी, तो उस हाथ का इस्तेमाल करके वो लोग दूसरी दुनिया के, मतलब मरे हुए लोगों की दुनिया से बात कर सकते हैं। को अपनी मम्मी से बात करने की उम्मीद लगने लग जाती है,
मिया अपने दोस्तों के साथ ये ट्रिक बार बार ट्राई करने लगती है, लेकिन ये चीज बार बार ट्राई करने के बाद हद के बाहर जाने लग जाती है। फिर उन लोगों के साथ क्या होता है, उन दोस्तों के साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। कमाल का हॉरर एक्सपीरियंस है, करने को मिलेगा। अगली मूवी की बात करें तो उसका नाम है एक्स, और ये मूवी 2022 के अंदर आई थी। अब इस मूवी के अंदर आपको कुछ ज्यादा ही फ्रेश एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन हॉरर वाला एलिमेंट इस मूवी के अंदर कमाल का है। ये वाली जो मूवी है हमको 1980 के जमाने में ले जाती है, जहां पर कुछ यंग फिल्म मेकर्स होते हैं, तो जो कि एक अडल्ट फिल्म बनाना चाह रहे होते हैं। इसके लिए वो एक घर के अंदर आते हैं, वहां पर बूढ़े कपल रह रहे होते हैं, उनसे परमिशन लेकर वहां पर वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो बूढ़े कपल वहां पर पहले से रह रहे होते हैं, उनका पता नहीं होता ये लोग क्या शूट करने वाले हैं। तो जब उनको उसके बारे में पता चलता है, उनका रिएक्शन कुछ अलग ही निकलता है, कुछ एकदम भयानक निकल के आता है, और धीरे धीरे इन लोगों की मौत होने लग जाती है। फिल्म मेकर और उनकी पूरी टीम की एक एक करके मौत होने लग जाती है। इनमें से कोई नहीं बचता है, या फिर नहीं बचता है, या फिर कैसे कैसे इन लोगों को मारा जाता है, ये सब इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। तो अगर आप उस तरीके का हॉरर एंजॉय करते हैं तो इस मूवी को जरूर देखें। अगली मूवी है अ क्वाइट प्लेस, और ये मूवी 2018 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर क्या होता है कि एक क्रिएचर प्लैनेट के ऊपर आया होता है, और जिसकी वाइब बहुत ज्यादा डरावनी होती है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि उस क्रिएचर को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नॉइस सेंसिटिव है। मतलब उसके अगर आसपास हल्की सी भी हलकट हो रही है, आहट हो रही है, तो उसे तुरंत सुनाई दे जाती है। इसी सब के बीच एक एबोट फैमिली होती है जो कि इन्हीं हालातों को सरवाइव करने की कोशिश कर रही होती है, और सरवाइव करने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आपस में सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करेंगे, कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, जिससे वो लोग सब जिंदा रह सके। तो सभी लोग जिंदा रह पाते हैं या फिर नहीं रह पाते हैं, कैसे कैसे चैलेंज इनके सामने आते हैं, इस मूवी के दौरान देखने को मिलेगा। और सीरियसली कमाल की मूवी है। इस मूवी के अंदर कोई भी डायलॉग नहीं है, पर पूरी मूवी एकदम साइलेंट है, और फिर भी इस मूवी के अंदर भाई आपको नेक्स्ट लेवल की हॉरर एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे। बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये मूवी बनी है। इस मूवी के अंदर जो फैमिली दिखाई है, उनके बीच में जो बॉन्ड दिखाया गया है, इस मूवी के बीच के हालात दिखाए गए हैं, जैसे हालात बदतर होते हैं तो वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, इस मूवी के अंदर सब कुछ दिखाया गया है, बिना किसी हैवी साउंड इफेक्ट्स वगैरह के साथ दिखाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। वाली मूवी देखते हुए बार बार धड़कने बढ़ने लग जाती हैं। आपको अगर शैतान पसंद आए तो इन मूवीज को भी जाकर एंजॉय जरूर करें। अनटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। एक वार्निंग है, मूवी देखते हुए एक हिदायत है आपको कि अपना आपा ना खोए। याद रखें कि आप सिनेमा में कुर्सी पर बैठे हैं, शैतान के सामने या कबीर के घर में नहीं। कई जगहों पर आपको गुस्सा भी आएगा, चिल्लाने और डर का एहसास होगा, लेकिन जो डर गया वो मर गया। जो डर गया समझो मर गया। कहानी शुरू होती है, कबीर छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार को लेकर फार्म हाउस पर जाता है। उनके गेट पर एक अनजान आदमी दस्तक देता है, कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, बस 15 मिनट फोन चार्ज करके चला जाएगा, लेकिन शायद वो जाने के लिए आया ही नहीं है। कबीर और उसकी फैमिली का दम निकालते तक उनके घर में चौखटी मार के धरना दे देता है। धक्का मार कर भागने की कोशिश भी की, लेकिन हुआ क्या, सच से सामना पाया कि बेटी जानवी को वश में कर लिया गया है। वो एक शर्त रखता है कि जानवी को उसके साथ जाने दिया जाए। कबीर और ज्योति नहीं मानते, उनके मुंह से हाँ निकलवाने के लिए वो उनकी जिंदगी तमाम कर देता है। वो शैतान उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को चाय पत्ती खिलाता, छोटे भाई ध्रुव को जान से मारने को कहता, जानवी का आपा खो गया है। अब कबीर बेटी को कैसे बचाएगा और शैतान उर्फ वनराज क्या करेगा, आगे यही है पूरी कहानी जो हमने ट्रेलर में देख ली थी। अब बात करें मूवी की, तो किसी भी हॉरर फिल्म के एलिमेंट को उठाने की जिम्मेदारी दो बातों पर आकर टिकती है, साउंड और सिनेमेटोग्राफी। आर माधवन की इंट्रोडक्शन एंट्री ऐसी हुई है कि आपको उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि ये बंदा जाने के लिए तो आया ही नहीं है। उसमें यूज हुए साउंड आपको वार्निंग देती हैं, संभल जाओ बॉस, आगे खतरा है। फिल्म में एक सीन है जहां वनराज जानवी को हंसने के लिए कहता है, वो कहता है कि जब तक मर नहीं जाती तब तक हंसती रहो। जानवी बुरी तरह हंसने लगती है, कबीर अपना सिर पकड़कर बेचैन होने लगता है, और ये अनकंफर्टनेस आप फील करेंगे ये दावा है मेरा। ये कमाल है साउंड इफेक्ट्स का। अब यहाँ एक स्पॉइलर है, जरा ध्यान से,
कॉपीड सीन्स बॉस। इसमें एक और हॉरर फिल्म का रेफरेंस देखने को मिलता है। एक जगह जानवी अपने भाई की जान लेने को आतुर है। वो दरवाजा बंद कर देता है। जब जानवी दरवाजे पर हथौड़े से हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करती है, तब वह अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। तब आपकी आंखों के सामने द शाइनिंग का हियर्स जॉनी वाला सीन आंखों के सामने आ जाता है। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी फिल्म जो माहौल बनाती है उसे हल्का नहीं पड़ने देती। कुछ सीन्स में कैमरे का काम इसी माहौल को एलिवेट करने का काम करता है। एक सीन में जानवी झूले पर खड़ी होकर उसे तेजी से चलाने लगती है। उसके घर वालों को डर लगता है कि गिरकर खुद को और अपने भाई को चोट ना पहुंचा दे। उस सीन में कैमरा कुछ शॉट्स में झूले के साथ उसी स्पीड पर चलता हुआ दिखता है। यहाँ मेकर्स होशियारी से स्टंट डबल को भी छुपा लेते हैं और साथ ही सीन को ग्रिपिंग भी बना देते हैं। बाकी फिल्म का भयंकर माहौल ऐसा असर डालता है कि एक पॉइंट पर पानी में तैर रहा रबड़ का मगरमच्छ भी अजीब और डरावना लगना लगता है। साहित्य और सिनेमा में एक थ्योरी है जिसे चेकोव्स गन कहा जाता है। ये थ्योरी कहती है कि अगर हम दीवार पर चिड़िया लटकी हुई देख रहे हैं तो उसे कहानी के आगे इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। यानी हर चीज को कहानी में किसी मोटिव के साथ जोड़ना जरूरी है। कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो सकता। शैतान में ऐसी कई डिटेल्स थी जिन्हें मेकर्स ने रैंडम तरीके से ड्रॉप किया और फिर उन्हें इस्तेमाल भी किया। फिल्म की डिटेलिंग पर कैसे काम हुआ उसका एक एग्जांपल बताते हैं। स्टार्टिंग में पता चलता है कि कबीर और उसका परिवार इंग्लैंड घूमकर आए थे। फिर एक जगह चाबी का छल्ला दिखता है, उस पर इंग्लैंड का झंडा बना हुआ है। ये ऐसा किया गया है क्योंकि आप कहीं से आए और याद के तौर पर निशाने ले आए। मेकर्स ये छल्ला ना भी रखते तो कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी चीजें आपको कहानी की दुनिया में इन्वेस्टेड रखने से एक कदम और करीब ले जाती हैं। अब स्टार्स की बात करें तो अजय देवगन कबीर बने हैं। जैसी जरूरत थी उन्होंने वैसा ही काम किया है। उनके कंट्रोल में रहकर एक्ट करना ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। उनके गुस्से वाला सीन में देखकर लगता है कि इस आदमी के मन में पहले से ही उबाल आ रहा था और किस कदर बाहर निकलता है। कबीर की पत्नी ज्योति का रोल ज्योतिका ने किया है। एक सीन है जहां ज्योति इतनी ज्यादा हिंसा देख चुकी है कि मानो उसे अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने आंखों के सामने घिनौना पर होते हुए देख रहे हो, बस कुछ कर नहीं सकते। किरदार वो बेबसी ज्योतिका लेकर आती है। धनराज बने आर माधवन किसी स्विच की तरह काम करते हैं। एक पल में ये आदमी तेजी से बोलेगा कि मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और अगले ही पल सोफे पर कमर सीधे करते हुए कैजुअल ढंग में चाकू से मारने का आदेश दे डालेगा। आर माधवन अपने किरदार में जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो उसे इंटरेस्टिंग भी बनाता है। 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनी शैतान आपको एंगेज करके रखती है। एक पॉइंट पर आपको आइडिया लग जाता है कि कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके ध्यान पर से अपनी पकड़ छूटने नहीं देगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आपका फिल्म पर क्या राय है। Until then, keep watching Bollywood Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088. दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज कर दी है मैनू सॉन्ग को सच करते हुए एक मूवी आ गई है। ब्लू आईज डेंजरस स्माइल के साथ आर माधवन का शैतान लुक सब पर हावी हो रहा है। बात तो सही है। वैसे भी कहते हैं काले जादू का काटा पानी भी नहीं मांगता है। शैतान के ट्रेलर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। अब शैतान से न्यू सॉन्ग कल आउट होगा जो शैतान पर बेस्ड होगा, जिसका टाइटल है ऐसा मैं शैतान। वीडियो में आर माधवन को लाशों के साथ दिखाया जा रहा है। अब तक हमने सिर्फ जरा जरा महकता है, रहना है तेरे दिल में जैसी मूवीज और थ्री इडियट्स जैसे मूवी से माधवन को देखा था, लेकिन बॉस ये वाला माधवन कौन है? अलग मूड से कम बैक कर रहे हैं और सब विलन की छुट्टी करने को तैयार हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म का नाम शैतान पहले था ही नहीं, फिल्म का नाम कुछ और होने वाला था, पर जब उसके टीजर और ट्रेलर पर अजय ने काम किया और जब एनालिसिस हुआ कि पूरा का पूरा शैतान पर बेस है, तब इसे शैतान नाम दिया गया। फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट के आसपास का था, लेकिन इतना बेहतरीन बन पड़ा है कि मन करता है काश ये थोड़ा और लंबा होता तो पूरी मूवी निकल जाती। ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर फिल्म फैंस को बांधने में कामयाब रही तो साल 2024 की एक बड़ी हिट फिल्म होने वाली है ये।
आइए डालते हैं उन 5 रीजंस पर नजर जो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है। दृश्यम जैसा ही ट्रीटमेंट। पहला तो फिल्म के ट्रेलर में एक मजबूर बाप को दिखाया है जो अपनी बेटी को शैतान से बचाने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आता अजय देवगन क्यों हमेशा बेटी और बाप के रिश्तों पे ही मूवीज करते हैं। नाइसा से क्या संबंध अच्छे नहीं चल रहे क्या? गुड क्वेश्चन। खैर प्राइवेट मैटर में हम दखल अंदाजी नहीं देंगे। ऐसा ही रोल उन्होंने दृश्यम में भी किया था और लोगों को ये काफी पसंद भी आया था। फिल्म की ये खास बात शैतान के हिट होने की वजह हो सकती है क्योंकि दृश्यम में भी एक मजबूर बाप की लड़ाई को देखते वक्त दर्शकों को जुड़ाव फील हुआ था जो इस फिल्म में भी है और वो प्लस पॉइंट की तरह काम कर सकता है। दूसरा आर माधवन का अलग रूप। देखो जैसे कि एक ये फैक्ट है कि तुम लोगों को मेरी आवाज बहुत पसंद है, ऐसे ही इस फैक्ट को भी नहीं नकारा जा सकता कि फिल्म की खास USP आर माधवन है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही सबसे ज्यादा बात आर माधवन की हो रही है जबकि फिल्म में अजय देवगन जैसे सुपरस्टार भी हैं। ट्रेलर में आर माधवन का किरदार जिस तरह से मासूम बनकर फिर अचानक से एक खौफनाक शैतान की तरह उभरता है वो सच में गूज बम्प दे देता है। सही मायने में देखा जाए तो ये फिल्म देखने के शुरुआती दिनों में भी भीड़ आने वाली है। वो आर माधवन का करिश्मा देखने के लिए आ सकती है। हिंदी ऑडियंस उसके पहले भी डर में शाहरुख खान खाकी में अजय देवगन और रोड में मनोज बाजपेयी को ऐसे ही रूप में देख चुके हैं जहां वो हीरो पर भारी पड़े थे। हिंदी ऑडियंस के इसी टेस्ट को समझते हुए ट्रेलर में आर माधवन वाले किरदार को ठीक से समझाते हुए पेश किया गया है। तीसरा है गुजराती फिल्म वश का रीमेक। ये फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी फिल्म का रीमेक होना इस फिल्म के हिट होने की गारंटी कैसे बन सकती है तो वजह यह है कि जिस गुजराती फिल्म से ये रीमेक ली गई है उस फिल्म की अच्छी कमाई ना होने की वजह भाषा का बैरियर था लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की भर भर की तारीफें की थी। तो अगर फिल्म वैसा ही जादू बनाने में कामयाब हो पाती है तो फिल्म बड़ी हिट बन सकती है। वश को टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3.5 स्टार्स तो वहीं मिड डे ने 4 स्टार्स दिए थे। चौथा है हटके सुपरनैचुरल फिल्म है। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों से 90 के दशक में ही हिंदी दर्शक ऊब चुका था इसलिए उसे जब भी कुछ भी बढ़िया और हटके सुपरनैचुरल फिल्में मिली उन्हें हाथों हाथ लिया गया। उदाहरण के लिए 2 दशक पहले आई फिल्म राज या फिर 2009 में आई फिल्म 13B को ले सकते हैं। इसके अलावा परी बुलबुल और भूत जैसी फिल्मों को भी इसलिए पसंद किया गया क्योंकि वो फिल्में अलग थी। अब शैतान का ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये फिल्म भी कुछ हटके कंटेंट देने वाली है तो जाहिर सी बात है कि फिल्म के हिट होने के लिए ये 5 वजह काफी हैं। फिफ्थ फिल्म की टीम। इस फिल्म को बनाने वाली टीम ने इसके पहले रेड, दृश्यम और दृश्यम 2 जैसी फिल्में दी हैं। अजय देवगन ना सिर्फ प्रोड्यूसर हैं बल्कि फिल्म में उन्होंने एक्ट भी किया है। अजय देवगन ऐसा संजीदा रोल्स के लिए जाने जाते हैं तो ये भी एक वजह है कि ये फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। अजय इस साल फिल्म सिंघम अगेन में भी नजर आएंगे जो 15 अगस्त को सिनेमाघरों में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेगी। आपको कितना इंतजार है शैतान का और उसके बाद सिंघम अगेन का और फिर पुष्पा 2 का? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। थैंक यू गाइस। दोस्तों साल 2024 में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की जितनी भी फिल्में आ रही हैं उनमें सबसे डिफरेंट जॉनर और सबसे कम बजट वाली फिल्म होगी शैतान जो कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर रिलीज होगी। शैतान जैसे सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म में एक्शन भी होगा जिसे देखने के लिए ऑडियंस जबरदस्त इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि इसकी जब से एडवांस बुकिंग शुरू हुई है तब बुक माय शो पढ़ना बुकिंग्स ओपन होने के साथ ही 62,000 लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया था। ऐसे में क्या लगता है फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है? अब कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 65 करोड़ के बजट में बनी शैतान 8 से 10 करोड़ की ओपनिंग तो ले ही सकती है। अब भले ही अजय और आर माधवन की फिल्म हो पर ये एक हिंदी फिल्म है, कोई बड़ी पैन इंडिया फिल्म नहीं है और उसमें भी हॉरर फिल्म है। अब जितनी भी हॉरर फिल्में बॉलीवुड में बनी है उसमें से कुछ फिल्में अगर हम देखें जो प्योरली हॉरर तो नहीं बल्कि हॉरर कॉमेडी थी तो जिसमें कि भूलभुलैया हो गई जो कि अक्षय कुमार की फिल्म थी उसने ओपनिंग डे पर 2007 में 3 करोड़ रुपए कमाए थे। कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 ने 2022 में 14 करोड़ रुपए कमाए ओपनिंग डे पर। श्रद्धा कपूर की स्त्री ने 6 करोड़ रुपए कमाए थे। कृष्णा भट्ट की 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट 2023 में रिलीज हुई थी उसने ओपनिंग डे पर 1-2 करोड़ रुपए कमाए थे। अब ये सारी हिंदी रिलीज फिल्में थी और इनका बजट भी 70-80 करोड़ के बीच में ही था तो इसलिए शैतान को लेकर 8 से 10 करोड़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है। पर एक्शन जनर बेस्ड फिल्म की बात करें तो उसकी ओपनिंग 10 करोड़ सफिशियंट नहीं होगी। जैसे ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर भी थी वो ओनली हिंदी रिलीज फिल्म जरूर थी पर एक एरियल एक्शन फिल्म थी तो उसका प्रोडक्शन
दावा किया गया था लगभग 30 करोड़ के आसपास। एक्शन फिल्मों को उतना कमाना ही पड़ता है, पर शैतान तो हॉरर फिल्म है और हॉरर जनर भी बाकी जनर की तरह पॉपुलर है, पर उसकी ओपनिंग्स को लेकर ना इतने ही प्रोडक्शंस होते हैं। अब अगर शैतान की और मार्केटिंग और प्रमोशन किया जाए तो वो 10 से 15 करोड़ ओपनिंग पर कमा सकती है, क्योंकि अब तक इसके हर प्रमोशनल कंटेंट को थम्स अप मिला है। वैसे अगर ये 10 से 12 करोड़ स्टार्टिंग में कमाती है तो ऐसे में 65 करोड़ बनी शैतान आराम से अपना बजट तो क्रॉस कर ही लेगी। यही तो फायदा होता है हॉरर फिल्मों का अपने स्मॉल बजट के कारण, क्योंकि उनमें लोकेशंस कास्ट पर ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ऊपर से हॉरर फिल्मों में ना सॉन्ग्स भी नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और इसलिए शैतान को भी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये 15 करोड़ से भी ज्यादा की ओपनिंग लेती है तब तो चमत्कार ही हो जाएगा और उतना पोटेंशियल फिल्म में दिखाई देता भी है। देखते हैं कि फिल्म कितनी कमाई करती है ओपनिंग डे पर। वैसे आपके खुद के क्या प्रेडिक्शन है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। भाई क्या दिन आ गए, देखो आप बीती आहट जैसे शोज में आत्माएं और भूतों को देखने के बाद रात को क्या दिन में भी ना एक जगह से हिलने की हिम्मत हम नहीं करते थे, और आज साक्षात हम शैतान का इंतजार कर रहे हैं। और शैतान को पता है कौन ला रहा है? हमारे अजय देवगन। फिल्म शैतान का ट्रेलर तो हमने देख लिया है और ट्रेलर ने हमें ऑलमोस्ट सारी कहानी बता दी है, क्योंकि मेकर्स ने अच्छा नहीं किया, पर कोई बात नहीं, ट्रेलर तो जबरदस्त था। जिसमें रहना है तेरे दिल में वाले आर माधवन, रहना है तेरे घर में वाले अवतार में नजर आए, जो अजय के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब एक पॉइंट पर तो अतिथि तुम कब जाओगे वाली फीलिंग आ गई थी। वैसे ट्रेलर में अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका सभी ने तड़के लगाए हैं, पर सबसे कड़क तड़का लगाया है हिप्नोटाइज हुई उस लड़की ने, यानी कि जानकी बोडीवाला ने, जो गुजराती फिल्म बश में भी नजर आई थी, जिसका रीमेक शैतान होने वाली है। वैसे जानकी बोडीवाला को लेने के बारे में पहले से ही सोच लिया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने, जो कि है विकास बहल। उनके मुताबिक और कोई इस रोल को उनसे बेहतर नहीं कर सकता था, फिर उन्होंने माधवन को फिल्म का ऑफर दिया। उन्हें पता है कि आर माधवन एक टैलेंटेड एक्टर है, अब्बा नहीं मानेंगे वाले फरहान से लेकर रॉकेटरी तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने देखा है। तो ज्योतिका को फिल्म ऑफर की गई और फिर ध्रुव की बारी आई। ध्रुव यानी अजय के बेटे का कैरेक्टर निभाने वाला लड़का। तो फिल्म की कास्टिंग 4 से 5 दिनों में पूरी हो गई और 4 दिनों में उन्होंने इसे शूट करना भी शुरू कर दिया। अब विकास ने इससे पहले फिल्म गणपत का डायरेक्शन किया है, पर शैतान का ट्रेलर देखने के बाद ना उन्होंने हमें गणपत को भूलने पर मजबूर तो कर दिया है, पर उन्हें ऑफर कैसे मिला? दरअसल अजय देवगन ने उनसे एक बार पूछा, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने पूछा दरअसल कि क्या आप हॉरर फिल्में देखते हैं? तो विकास पहल ने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है। और उनके उस जवाब पर ना अजय ने उनसे शैतान का डायरेक्शन करने के लिए कह दिया। अब आप सोचेंगे कि ना कहा और फिर उन्हें ही जिम्मेदारी क्यों दे दी गई? इसका आंसर यही है कि एक इंसान के तौर पर वो जानते हैं कि हॉरर फिल्म का डर क्या होता है, और हॉरर फिल्म में डर सबसे मायने रखता है। तो उस डर को पैदा करके बरकरार रखने का काम एक ऐसा ही इंसान कर सकता है जो खुद ना उससे एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि खुद डर सकता है। अब क्वीन सुपर हिट जैसी सुपर हिट फिल्म विकास ने बनाई है, उम्मीद करते हैं कि शैतान के साथ भी वो जस्टिस कर सके, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और 2024 रिलीज होने वाली अजय देवगन की पहली फिल्म है, तो अब यहीं से शुभारंभ हो तो आगे आने वाली फिल्मों को भी फायदा हो सकता है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अरे भाई शैतान का नाम ले रहे हैं तो डर तो लगेगा ना, पर इट साउंड्स वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग ना। अरे आप नहीं समझे, अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म का नाम है शैतान, जो 8 मार्च को रिलीज हो रही है, और 8 मार्च को है महाशिवरात्रि, और भोलेनाथ को इस शैतान को जीत पाना ही पड़ेगा, मतलब बॉक्स ऑफिस पर। वैसे बॉलीवुड में रिमेक्स का किंग तो सलमान खान को ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी आधी फिल्म में तो साउथ रिमेक्स होती है, पर अब ऐसा लगता है कि ये टाइटल ना अजय देवगन को भी ना बहुत सूट करता है, क्योंकि वो भी पिछले कुछ सालों से ना बस रीमेक्स पर ही काम कर रहे हैं। अब शैतान भी गुजराती फिल्म वश का ही रीमेक है, पर क्या ये रीमेक हिट होगा? अब देखिए अजय देवगन ने जितने भी रीमेक्स बनाए ना, उसमें से उनकी लास्ट फिल्म भूला, जो साउथ फिल्म कैथी का रीमेक थी, उसने 100 करोड़ के बजट में सिर्फ 110 करोड़ रुपए की कमाई की थी, यानी कि कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाया था, शायद ये कैथी देखने का नतीजा होगा। पर उससे पहले अजय की दृश्यम फ्रेंचाइजी, जो कि मलयालम दृश्यम की रीमेक है, उसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि कुछ रिमेक्स अच्छे भी हैं तो कुछ एवरेज भी है। तो व्हाट अबाउट शैतान? जैसा कि हमने कहा कि भोला बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, इसके फिल्म मेकिंग में कुछ सीन्स में मिस्टेक हो सकती है जो कि अपीलिंग नहीं थी,
और ये क्या थी का रिमेक थी जिससे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं थे और उन्होंने देख लिया था वो चीज पहले ही, शायद उसके कंपैरिजन के चक्कर में वो पीछे रह गई। पर अगर आप शैतान की बात करोगे तो शैतान वश की रिमेक जरूर है, पर वश को आप कहीं पर भी नहीं देख सकते हैं जिसकी वजह से आपको कहानी बिल्कुल नई लगेगी। इसका मतलब ये है कि थिएटर में आप जो एक्सपीरियंस करोगे ना वो पहली बार एक्सपीरियंस करोगे, एक्सेप्ट कुछ गुजराती ऑडियंस और बाकी लोगों को छोड़कर जिन्होंने ये फिल्म थिएटर्स में देख रखी होगी। बस डायरेक्टर विकास बहल को ही अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा। और वैसे भी फिल्म का टीजर स्टार कास्ट जिसमें आर माधवन और ज्योतिका शामिल है, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सबकी एक्साइटमेंट देखते हुए यही लग रहा है ना कि ये फिल्म हिट होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं होने वाली है। ये खुद अजय देवगन ने प्रमोशन के वक्त कहा है, क्योंकि इसमें सिंपल हॉरर नहीं होगा बल्कि ब्लैक मैजिक होने वाला है। अब जिस तरह से वश हमें वश करने में कामयाब हुई उसकी खतरनाक स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस के साथ, और उसका बैकग्राउंड उसको रोंगटे खड़े करने वाला बना रहा था, तो अगर वही एक्सपीरियंस हमें शैतान के साथ मिलेगा तो जरूर ये फिल्म बेस्ट रीमेक साबित हो सकती है। वैसे आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। पर इसकी शूटिंग पूरी करूं या फिर उसकी किसका प्रमोशन करूं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शायद इसी के चलते उनकी अपनी फिल्म जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया है उस शैतान को भी ना वो प्रमोट करते नजर नहीं आ रहे हैं। शैतान का टीजर रिलीज किया गया था पर अभी तक ट्रेलर नहीं आया है और फिल्म रिलीज होने वाली है 8 मार्च को। तो क्या अजय अभी शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हैं, जैसे कि फिल्म रिलीज से 10 दिन या फिर 15 दिन पहले वो शैतान का ट्रेलर लाए, फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज से 1 वीक पहले रिलीज किया गया था। जी हाँ, तो उसी तरह शैतान वाले ट्रेलर, कुछ पोस्टर्स और गाने रिलीज करें और पठान की तरह प्रमोशन भी ना करें। अब शाहरुख खान ने पठान का प्रमोशन करना टाल दिया था क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, वो मीडिया से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि फिल्म में दम है। अब शैतान का इम्प्रेसिव टीजर देखने के बाद अजय को भी पता है कि फिल्म में दम तो है पर शैतान को लेकर उतनी चर्चा तो नहीं है जितनी की पठान की हुई थी। इसके लिए कंट्रोवर्सी की जरूरत तो है नहीं, पर हाँ अजय को अपनी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना कि उनकी भी फिल्म का थोड़ा सा प्रमोशन तो हो ही जाए, जो कि पठान के वक्त या फिर हर फिल्म के वक्त शाहरुख खान करते रहते हैं। #AskSR के सेगमेंट के जरिए क्या पता अजय भी ऐसा ही कुछ करे, क्योंकि जब पठान रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर हुई थी तो उसके बाद अजय ने शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपनी फिल्म भोला को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि वो भी सोशल मीडिया पर #AskBhola नाम का सेशन करके फैंस से इंटरेक्ट कर रहे थे। उसी तरह क्या पता अजय अपनी फिल्म शैतान को लेकर #AskShaitan नाम का सेगमेंट कर दे, और क्या पता ट्रेलर रिलीज करने का आइडिया भी फैंस से ले लें, क्योंकि फिल्म भोला के वक्त ऐसा उन्होंने किया था, ट्रेलर इंदौर में रिलीज हो ऐसा उनके फैन बेस की डिमांड थी और अजय ने इंदौर में ही ट्रेलर रिलीज किया था। वैसे ऐसा अभी नहीं होगा, पर वैसे भी ना अजय देवगन को प्रमोशन करना उतना पसंद नहीं है, तो सोशल मीडिया के जरिए वो ऑडियंस के साथ टच में रह सकते हैं। वैसे शैतान के जो प्रोड्यूसर्स है ना वो इससे पहले दृश्यम 2 ही ला चुके हैं, और दृश्यम के वक्त सस्पेंस को बनाए रखने के लिए उन्होंने अजय के विजय सालवंकर वाले कैरेक्टर को लेकर सवाल सेगमेंट रखा था जिसमें फैंस पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये पन्ना शैतान के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि अजय अपनी फैमिली को शैतान से बचा पाएंगे कि नहीं, एंड ऑल ऐसे कुछ सवाल पूछकर गॉसिप बढ़ा सकते हैं वो लोग। लेट्स सी इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, पर प्रमोशन तो भाई बनता है। वैसे आपका क्या कहना है, वो क्या करने वाले हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की शैतान कोई नई कहानी पर बनी फिल्म नहीं है, ये बहुत ही पुरानी ताकत ब्लैक मैजिक पर बनी है। बॉलीवुड के सिंह अजय देवगन साउथ स्टार आर माधवन और ज्योतिका स्टारर थ्रिलर सस्पेंस पर शैतान की कई पोस्टर्स और टीजर लॉन्च होने के बाद अब ट्रेलर की रिलीज होने की बारी है। पर शैतान का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला है जिसके अनाउंसमेंट के साथ मूवी से एक पोस्टर भी रिलीज हुआ है। जी हाँ, जो कि अजय देवगन और आर माधवन का है। ये वही पोस्टर है जिसे अजय देवगन पहले ही रिवील कर चुके हैं, जिसमें हाफ अजय देवगन का फेस और हाफ आर माधवन का ब्लर लुक है। इससे पहले अजय देवगन ने अपकमिंग फिल्म शैतान का नया पोस्टर लॉन्च किया है। फिल्म के नए पोस्टर में अजय देवगन का इंटेंस लुक दिखाई दे रहा है, माथे पर शिखर और आंखों में परिवार की चिंता ये जाहिर करने के लिए काफी है कि एक्टर के लिए शैतान से लड़ना आसान नहीं होने वाला है। पोस्टर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने कैप्शन में लिखा, जब बात अपने परिवार पर आए तो वो हर शैतान से लड़ जाएगा। अजय देवगन के अलावा शैतान से ज्योतिका का भी लेटेस्ट पोस्टर रिलीज किया गया है। जियो स्टूडियो द्वारा लॉन्च पोस्टर में
ज्योतिका हैरान परेशान दिखाई दे रही है। इसके साथ कैप्शन पे लिखा है, माँ उस शक्ति का नाम है जो अपनों के लिए शैतान को भी टक्कर दे दे। वहीं वरन लोक को भी रिवील किया गया। अब जिसमें वरन लोक में माधवन को पहचानना भी ना मुश्किल हो गया है। हैवी शेप, नीली आंखें, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और शैतानी मुस्कुराहट, ये सब देखना साफ है कि वो पर्व में गर्दा उड़ाने वाले हैं। अजय देवगन पर्व और पनोरमा पैनल तले तैयार हुई फिल्म शैतान को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ साउथ की दिग्गज एक्ट्रेस ज्योतिका फीमेल लीड में होंगी। इस फिल्म का पहला पोस्टर शेयर कर अजय ने लिखा था, शैतान आपके लिए आ रहा है 8 मार्च 2024 को। शैतान 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिलहाल पर्व की कहानी क्या है इस पर पता नहीं हटा है। जियो स्टूडियोज, अजय देवगन फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल की पेशकश शैतान को अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने प्रोड्यूस किया है। अजय स्टार फिल्म सिंघम अगेन भी नजर आएंगे, जो 15 अगस्त को सिनेमाघरों में साउथ सुपरस्टार अनु अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे। अजय की किन फिल्मों का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। काले से भी काला मैं चुपचाप सदियों से मैं रात हूँ। शैतान एक सुपर नेचुरल फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन शैतानी शक्तियों से लड़कर अपने परिवार को बचाते हुए नजर आएंगे। मूवी में आर माधवन नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। खतरनाक टीजर के बाद अजय देवगन ने एक बार फिर शैतान की झलक दिखाई है। अजय देवगन ने अपकमिंग फिल्म शैतान का नया पोस्टर लॉन्च किया है। फिल्म के नए पोस्टर में अजय देवगन का इंटेंस लुक दिखाई दे रहा है। माथे पर शिखर और आंखों पे परिवार की चिंता, ये जाहिर करने के लिए काफी है कि एक्टर के लिए शैतान से लड़ना आसान नहीं होने वाला है। पोस्टर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने कैप्शन भी लिखा है, जब बात अपने परिवार पर आए तो वो हर शैतान से लड़ जाएगा। अजय देवगन के अलावा शैतान से ज्योतिका का भी लेटेस्ट पोस्टर रिलीज किया गया है। जियो स्टूडियो द्वारा लॉन्च पोस्टर में ज्योतिका हैरान परेशान दिखाई दे रही है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है, माँ उस शक्ति का नाम है जो अपनों के लिए शैतान को भी टक्कर दे रहे। साथ ही फिल्म शैतान से आर माधवन का फर्स्ट लुक पोस्टर भी लॉन्च हो गया है। इस पोस्टर में आर माधवन को पहचानना मुश्किल लग रहा है, वो बहुत ही फुनखार और धाकर लुक में दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आर माधवन के लुक पर, तो उन्होंने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है कि मैं हूँ शैतान, सिनेमाघरों में 8 मार्च को आ रहा हूँ। इस पोस्टर पे माधवन को बहुत ही मुश्किल से पहचाना गया। हैवी शेप, नीली आंखें और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और शैतानी मुस्कुराहट, ये सब देखना साफ है कि पर्व में वो गर्दा उड़ाने वाले हैं, जो उनके शैतान के डायलॉग से पहले साफ हो गया था, जो था, ये पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सब मेरी है। काले से भी काला मैं, भय का मीठा प्याला मैं, मालिक हूँ मैं 9 लोक का, जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सदियों से देखता एक खामोश गवाह भी मैं रात हूँ, मैं शाम हूँ, मैं तमाम हूँ, मैं बनाता बिगाड़ता समेटता मरोड़ता, लोग कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ता, एक खेल है खेलोगे, एक खेल का बस एक ही रियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मत आना। सभी पोस्टर्स के बैकग्राउंड में तंत्र मंत्र की निशानियां बनी हुई है, जादू टोने मोमबत्तियां अंधेरा पोस्टर्स में जान डाल रहे हैं। विकास बहन निर्देशक शैतान का टीजर कुछ समय पहले रिलीज किया गया था, जिसमें अजय देवगन और ज्योतिका से तरह ध्यान आर माधवन ने खींचा था। उनका खतरनाक बगैर रोए किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। खास बात यह है कि अजय देवगन इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने ज्योति देशपांडे और कुमार मंगत पाठक के साथ मिलकर इस सुपर नेचुरल मूवी का निर्माण किया है। अजय देवगन आर माधवन की फिल्म शैतान गुजराती पर वर्ष का हिंदी रीमेक है। हर कहानी की तरह फिल्म में मर्डर की एक वजह है। एक कपल वहाँ शादी के बाद अपने घर में रह रहा है। बीवी को रात में अक्सर कुछ गलत चीजें दिखाई दे रही हैं और अपने साथ होती हुई महसूस होती है। पति इन्हें उसका भ्रम कह देता है और हीरो एक जर्नलिस्ट है जिसने इन भूतों की सच्ची घटनाओं पर किताब भी लिखी है। बाबा है जो भूत प्रिंट भगाने का दावा करता है। इसी के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी वर्ष के हिंदी रीमेक शैतान की कहानी। शैतान के अलावा अजय देवगन कई और मच अवेटेड फिल्मों में धमाल मचाने वाले हैं। उनकी फिल्मों की लिस्ट में सिंघम अगेन, रेड 2, मैदान और तबू के साथ औरों में कहा दम जैसी फिल्म शामिल है। आपको अजय किस पर का इंतजार है अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। अजय देवगन की शैतान कोई नई कहानी पर बनी फिल्म नहीं है,
बल्कि ये बहुत ही पुरानी ताकत ब्लैक मैजिक पर बनी है, जो भारत का इतिहास रहा है, जिसकी कहानी दादी नानी से सुनते हुए हम बड़े हुए हैं कि पलाने का पैन नींबू पे पड़ गया, दिवाली होली की रात भारी होती है, यहाँ तक कि महाभारत से भी काला जादू का इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत के कई शहर और गांव अपनी अलग अलग कहानी और इतिहास के लिए जाने जाते हैं, यानी सबकी एक अलग ही हिस्ट्री है, सबकी अलग ही स्टोरी है। इसी कड़ी में हम आपको आज एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे भारत का काला जादू राजधानी कहते हैं। असम का ये गांव खास तौर पर ब्लैक मैजिक के लिए ही जाना जाता है। हम आज जिस जगह के बारे में आपको बता रहे हैं ना, वो जगह असम की राजधानी गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव है। लोग कहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा तक ब्लैक मैजिक जानता है। मायोंग भारत के असम के मोरी गांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। मायोंग गांव को काले जादू के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए ब्लैक मैजिक का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस गांव के लोग ना इंसान से जानवर बनाने में, अपनी जादुई शक्ति से लोगों को हवा में गायब करने जैसे ना बहुत सारे जादू जानते हैं। अब ये कितना सच है या पर नहीं है, ये तो भाई वही लोग जानते होंगे। इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि घटोत्कच मायांग से कई जादुई शक्तियां सीखने के बाद महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। ये गांव घटोत्कच का भी माना जाता है। वहीं मायोंग का नाम संस्कृत शब्द से भी जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ भ्रम होता है। मायोंग के ओझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। ओझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि जब दूसरों को ठीक करने के लिए जादू का उपयोग किया जाता है तो इसे अच्छा जादू कहा जाता है। वहीं जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है तब इसे हम काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक कहते हैं। मायोंग गांव के काला जादू को लेकर कहा जाता है कि यहाँ अंग्रेज भी आने से डरते थे। इस गांव के ब्लैक मैजिक की ताकत से सभी लोगों को डर लगता है। यही कारण है कि अंग्रेजों के अलावा मुगल काल के दौर में भी इस गांव में जाने से लोग डरते थे। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि आज भी आम आदमी इस गांव में नहीं जाते हैं। ऐसे ही कुछ रहस्यों को ऑडियंस के लिए शैतान में अनसुलझा रखा गया है, जिसमें ये अतृप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है वो चाहती क्या है, ये आप शैतान देखकर पता लगा सकते हो। आपको इस गांव की कहानी सुनने के बाद क्या फीलिंग आई? क्या आप शैतान मूवी का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। काले से भी काला मैं चुपचाप सदियों से मैं रात हूँ। अजय देवगन की आखिरी रीमेक फिल्म भोला भले ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही हो, पर अजय देवगन को भोलेनाथ पर अभी भी यकीन है। वो बचपन से भोलेनाथ के भक्त है और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि को अपनी फिल्म शैतान रिलीज करने का फैसला किया है। तो ये हो गई इमोशनल साइड। और अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें ना तो फ्राइडे को रिलीज होगी, फिर सैटरडे संडे है तो 3 दिन ना अच्छी खासी कमाई करने का स्कोप है और बाद में वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर भी फिल्म को फायदा हो सकता है। वैसे बॉलीवुड में हॉरर जनर कम ट्राई किया जाता है और कॉमेडी एक्शन हॉरर ये सब कुछ ट्राई करने में अक्षय कुमार सबसे आगे रहते हैं, पर इस बार थोड़ा चेंज अजय आगे आए हैं। वैसे अक्षय की फिल्म बोल रही आपने देखी होगी, तो जिन लोगों को ये लगता है कि क्या शैतान भूल भुलैया टाइप फिल्म हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भूल भुलैया पे ना हॉरर डर ऐसा कुछ नहीं था। हॉरर वर्ड का भी ना अपना अस्तित्व है और वो एक हॉरर प्लस कॉमेडी फिल्म थी, पर शैतान ऐसी फिल्म नहीं है। इसमें थोड़ा सा भूल भुलैया होगा, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है या हम कहां से कहां आ गए हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है आपको। अब अजय के कैरेक्टर को देखकर ऐसी फीलिंग तो आएगी ही और उनकी फैमिली को आएगी जब वो शैतान की चाल में फंस जाएंगे, पर यहाँ पर कॉमेडी नहीं होगी, ओनली सीरियस सस्पेंस माहौल होगा जो उस फिल्म की एक्चुअल में जान है, क्योंकि सस्पेंस निकल गया तो हॉरर फिल्म का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से शैतान ने टीजर हमने देखा है तो उसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंटेंस और सीरियस होंगे, पर अगर भूल भुलैया को हम देखेंगे तो उसमें कॉमेडी फैक्टर्स भी उन्होंने डाले थे जिससे कि हॉरर ऐसा कुछ लगा नहीं, तो दोनों फिल्मों में फर्क तो है। वैसे भूल भुलैया में मंजुलिका का वो डांस और कुछ बाकी गाने वगैरह थी जो उस फिल्म को ना और भी मजेदार बनाते हैं, पर शैतान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर इससे फिल्म का स्केल कम थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गाने की जरूरत है ही नहीं,
इस फिल्म की स्टोरी को और सस्पेंस को ज्यादा पावरफुल बनाने का काम बैकग्राउंड स्कोर करेगा, वही इस फिल्म की क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा और वो माहौल भी क्रिएट करेगा। पर देखा जाए तो इस फिल्म पे गाने की जरूरत है ही नहीं, जो कुछ काम करना है वो कंटेंट, परफॉर्मेंस और बीजीएम को करना है, तो किसी को गाने की क्या ही जरूरत है। और गाने भी हो सकते हैं पर सिर्फ वो एक फैमिली को लेकर शायद हो सकते हैं, जैसे दृश्यम में दिखाया गया था अजय और उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो शैतान बॉलीवुड की बात ही हॉरर फिल्मों से तो काफी अलग हो सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म क्या कमाल दिखा पाएगी? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। काले से भी काला मैं मालिक हूँ, मैं नौ लोक का जहर। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म शैतान इस साल 8 मार्च को रिलीज होगी। वैसे शैतान सोलो रिलीज फिल्म जरूर होगी, पर इसके एक हफ्ते बाद रिलीज होने वाली है फिल्म योद्धा, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म है। तो क्या योद्धा शैतान के लिए खतरा बन सकती है? क्योंकि योद्धा तो भाई करण जौहर की फिल्म है और ये उनके धर्मा प्रोडक्शन की पहली एक्शन फ्रेंचाइजी है, इसलिए करण तो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फिर कोई पॉलिटिक्स? पर अजय के साथ वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक सबक मिल चुका है। दरअसल 2016 में करण की ऐ दिल है मुश्किल और अजय की शिवाय रिलीज हुई थी। उसके बाद अजय और करण में खटास आ गई। काजोल ने भी करण से कहा कि तुम पर कभी अजय से क्लैश मत करना, और उसके बाद से करण ने क्लैश अवॉइड किया है, इसलिए तो उन्होंने शैतान के साथ 8 मार्च को योद्धा पर रिलीज नहीं की। खैर, पर शैतान वर्सेस योद्धा को देखें तो शैतान एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और योद्धा एक एक्शन थ्रिलर, मतलब कि इसके जनर्स काफी अलग है। सेकेंडली, हॉरर फिल्में रेयरली बनती है, पर दूसरी ओर सिद्धार्थ की योद्धा जैसी पैट्रियोटिक एक्शन फिल्में बारिश की तरह अभी टपक रही है। ओटीटी पर भी पैट्रियोटिक कंटेंट भरा पड़ा है, तो अभी कंटिन्यूअसली चल रहे टॉपिक में योद्धा बैठती है और जिससे ऑडियंस को ना एक ब्रेक बहुत जरूरी है और इसमें शैतान हमें अलग कंटेंट दे सकती है। वैसे अभी तक दोनों फिल्मों का प्रमोशन नहीं हुआ है, पर शैतान के टीजर को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। जी हाँ, क्योंकि इसमें आर माधवन, ज्योतिका जैसे स्टार्स भी है और शैतान एक रीमेक होने के बावजूद भी ऑडियंस को एक्साइटेड कर रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी रीमेक से ऑडियंस तंग आ चुकी है, देन ऑल्सो उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अजय की लास्ट फिल्म भोला भी रीमेक थी साउथ फिल्म कैथी की, जिसे एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, पर उसके बाद ही एक और रीमेक वो लेकर आ रहे हैं और फिर भी ऑडियंस अच्छे मूड में है, यही फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। वैसे गदर 2 OMG 2 एक बार रिलीज हुई थी पर दोनों का कंटेंट काफी अलग था। एनिमल और सैम बहादुर का भी क्लैश हुआ था, दोनों का जनर डिफरेंट था पर रिलीज डेट एक ही थी। पर शैतान और योद्धा कंटेंट और रिलीज डेट दोनों ही डिफरेंट है और शैतान 8 मार्च को रिलीज होगी जब महाशिवरात्रि है यानी कि छुट्टी है, फिर सैटरडे और संडे है, आराम से एक हफ्ता फिल्म कलेक्शन कर सकती है। तो देखा जाए तो शैतान को कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा है, पर फिर भी शैतान को थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहिए क्योंकि योद्धा को बुकिंग एप्स पर ना ज्यादा लाइक्स मिले हैं एज कम्पेयर टू शैतान, तो शैतान को कुछ मार्केटिंग वगैरह तो करनी ही पड़ेगी। वैसे आप किस फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन आर माधवन की फिल्म शैतान गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है। कुछ घटनाएं अपनी कहानी ना खुद लिखती है और कई बार ये कहानियां इतनी रोमांचक, इतनी असामान्य होती है ना कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इंसान उन्हें अपनी आंखों से ना देख ले। कभी कभी हमारा ऐसी शक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समझ से भी परे होती है। कई बार ये शक्तियां बुरी जरूर होती है पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समझ से इन पर अक्सर जीत हासिल कर लेता है। इस दुनिया में रातों का वजूद इसी वजह से है कि उनका सफर अगली सुबह उजाले की बाहों में जाकर खत्म होता है। इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हमेशा से रही हैं। हम इंसानों पर जब भी कोई नेगेटिव शक्तियां हावी होने लगती है तब अधिकतर लोग अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। यदि वो भूत प्रेत और वासनाओं से भरी हो तब हम पॉजिटिव यानी कि ईश्वर की शरण में जाते हैं। गुजराती फिल्म वश का सार भी यही है। हिमाचल के एक गांव परागपुर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं। कौन मार रहा है इन्हें, क्यों मार रहा है, क्या कुछ साफ हो पाएगी स्थिति? इस सब सवालों की वजह से वश ना आपको भी तकनीकी और अन्य कारणों से वश में करती जाती है। जैसा शैतान टीजर में माधवन का वो डायलॉग, ये पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सब मेरी है, काले से भी काला मैं, भय का मीठा प्याला मैं, मालिक हूं मैं नौ लोक का, जहर भी मैं दवा भी मैं,
चुपचाप सदियों से देखता एक खामोश गवाह भी मैं रात हूं, मैं शाम हूं, मैं तमाम हूं, मैं बनाता बिगाड़ता समेटता मरोड़ता, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, एक खेल है खेलोगे, एक खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मत आना। अब इसकी कहानी ये बता रहा है, हर कहानी की तरह फिल्म में मर्डर की वजह है। एक कपल वहां शादी के बाद अपने घर में रह रहा है, बीवी को रात में अक्सर कुछ गलत चीजें दिखाई दे रही हैं और अपने साथ होती हुई महसूस होती है, पति इन्हें उसका भ्रम बताता है और एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सच्ची घटनाओं पर किताब भी लिखी है, बाबा है जो भूत प्रेत भगाने का दावा करता है। इसी के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी वर्ष के हिंदी रीमेक शैतान की कहानी। वर्ष मूवी में फिल्म के हीरो हीरोइन अपनी बढ़िया प्रेम भरी जिंदगी जी रहे हैं, इनके बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता है। कौन है वो और उसके इरादे क्या है, ऐसे ही कुछ रहस्यों को ऑडियंस के लिए सुलझा कर दिखाया जाएगा, जिसमें ये अतृप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है वो चाहती क्या है, या वर्ष देख कर ही पता लगा सकते हो, जिससे आपको शैतान की कहानी का बिना थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तो आपको वर्ष की कहानी सुनने के बाद शैतान मूवी का कितना इंतजार है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठता है तब उसका दिमाग अलग से चलने लगता है, चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगता है बढ़िया प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। कुछ इसी तरह से अजय देवगन मूवी शैतान के प्रोड्यूसर बनने की बात कर रहे हैं। अब उनकी अपकमिंग हॉरर मूवी शैतान गुजराती फिल्म वर्ष का रीमेक है। अब वर्ष को लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इस मूवी ने तो बहुत कम कमाई की या फिर ये फ्लॉप थी, पर जैसे ही शैतान की अनाउंसमेंट हुई, टीजर आया, कुछ गुजराती या बाकी फैंस ये भी कह रहे कि फिल्म वर्ष एक हफ्ते के बाद ही हाउसफुल हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि जो फिल्म हाउसफुल होगी, ऑडियंस को पसंद आई होगी, उसी का रीमेक बनाने का बॉलीवुड वाले सोचेंगे, वरना वो ऐसी कोई भी मूवी उठाने वाले क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर अब फैंस की एक ख्वाहिश है कि डायरेक्टर विकास बहल शैतान को गंदा जैसा ना बनाए। हाँ, वैसे बात कर रहे थे शैतान के एक्टर एंड प्रोड्यूसर अजय की प्लानिंग की। अब अजय और बाकी प्रोड्यूसर्स जो अजय की फिल्म दृश्यम के प्रोड्यूसर्स भी थे, उन्होंने वर्ष के राइट्स खरीद लिए। पर जैसे कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, उस तरह का वर्ष का हाल नहीं है, क्योंकि अजय और बाकी प्रोड्यूसर्स ने वर्ष को अपने वश में कर लिया है। मतलब वर्ष आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस कंपनी ने इसे के राइट्स खरीदे हैं उस कंपनी को अजय और बाकी प्रोड्यूसर्स ने रोका और कहा कि वर्ष ओटीटी पर रिलीज नहीं करनी चाहिए। अरे यहाँ पर कोई दादागिरी नहीं है बल्कि बढ़िया दिमाग है। अब सोचिए, अगर वर्ष को लोग देखेंगे शैतान रिलीज होने पहले तो उन्हें स्टोरी का पता चलेगा, फिर वो शैतान देखने में कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना, तो डर तो होगा ना। भले ही बॉलीवुड वाले अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, पर कंटेंट तो वही होगा। ऐसे में ओटीटी पर या इंटरनेट पर कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल ना रहे, इसलिए उसे रोका गया। खैर अब देखते हैं क्या होता है, बताएं कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय। क्या साल 2023 के तरह 2024 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल? अब ये सवाल तो भाई पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि 2024 की शुरुआत काफी ठंडी तरीके से हुई है। याद कीजिए 2023 की शुरुआत, जब शाहरुख खान की पठान आई थी, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे और बॉलीवुड फिर से जिंदा हो गया था। पर 2024 की शुरुआत हुई थी फिल्म फाइटर के साथ, जहां ऋतिक रोशन का प्लेन क्रैश हो गया। पर इस सब के बीच अपना स्टार पावर बढ़ाने का और साल 2024 का पूरा क्रेडिट अपने नाम करने का गोल्डन चांस अभी बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर के पास है, और वो है अजय देवगन। अगर उन्होंने उतनी कमाई करके दी तो, क्योंकि 2024 में रिलीज होने वाली अजय की 5 फिल्में पाइपलाइन में है, जिसमें पहली है शैतान, फिर मैदान, सिंघम अगेन, औरों में कहां दम था और रेड 2, टोटल 5 फिल्में हैं। और मौका भी है 2024 में दिवाली मनाने का, वो भी 1,000 करोड़ वाले पटाखों के साथ। और इसकी अभी जरूरत भी है, क्योंकि फाइटर तो ठंडी बस्ती में चली गई है और उससे पहले कैटरीना कैफ की मेरी क्रिसमस, पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूँ, ये सारी फिल्में ना बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई। तो ऐसे में अजय की फिल्में इस ठंड को ना गर्माहट में बदल सकती है, जिसमें अभी उनकी पहली फिल्म आएगी 8 मार्च को, यानी कि शैतान रिलीज होगी। अजय इसमें हॉरर जनर को आजमा रहे हैं, जिसे बॉलीवुड में कभी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान
इन्होंने नहीं आजमाया है, ना ही बॉलीवुड के चमकते सितारे यानी कि रणबीर कपूर ने आजमाया है। ऐसे में दोस्तों अजय एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्शन एक्शन के जमाने में ना कुछ अलग परोसने वाले हैं। ऐसे में फिल्म से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है और शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर इस साल नहीं आने वाले हैं, तो अजय सर मौका भी है, दस्तूर भी है, दिखा दीजिए अपना जादू। वैसे शैतान का टॉपिक जो है ना वो ऐसा है जो रियल लाइफ में भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि भले ही हमने साइंस की दुनिया में बहुत तरक्की कर ली हो पर हम है तो इंडियंस ही ना, और इंडिया में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ब्लैक मैजिक पर यकीन करते हैं यानी कि विश्वास करते हैं। तो ये कहानी रिलेटेबल है जो ऑडियंस के साथ इजिली कनेक्ट कर सकती है, तो शैतान के कंटेंट को प्रॉमिसिंग माना जा सकता है। साथ ही इसमें अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका जैसे सितारे हैं और ऑडियंस फिल्म के टीजर से इम्प्रेस भी है, मतलब वो फिल्म से उम्मीद तो करते हैं। ऊपर से ये सोलो रिलीज भी है, हाँ, पर 15 मार्च को सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा भी रिलीज होने वाली है, तो कॉम्पिटिशन है, पर इन दोनों फिल्मों के जनर काफी अलग है। जहाँ शैतान एक हॉरर फिल्म है और योद्धा एक पैट्रियोटिक एक्शन ड्रामा है। वैसे शैतान का ट्रेलर आना भी बाकी है, प्रमोशनल कंटेंट भी आना बाकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बज बढ़ सकता है। प्रमोशन होना भी जरूरी है, वरना ऐसा ना हो जाए कि फिल्म कब आई कब गई ऑडियंस को पता भी ना चले। तो अजय और मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शैतान बढ़िया कमाई दिला सकती है। वैसे आपके क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड सिंगर अजय देवगन के लिए साल 2024 इन गोल्डन चांस है, जहां पर अपनी 5 फिल्मों से वो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर सकते हैं। अब इस साल की शुरुआत उनकी फिल्म शैतान से होगी, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और जो 8 मार्च को रिलीज होगी, मतलब रिलीज होने में बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, और इतना टाइम तो हर प्रोड्यूसर या फिर मेकर्स फिल्म को प्रमोट करने के लिए लेते ही है, पर ऐसा कुछ शैतान के साथ नजर नहीं आ रहा है और इसकी वजह से बस भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या अजय देवगन सावर सुपरस्टार अजीत कुमार की स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं? अजीत की स्ट्रैटेजी जैसे कि अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती है, अच्छी फिल्में खुद ही खुद को प्रमोट कर लेती है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है ना अजय? मतलब कहीं आप भी तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये अजय की फिल्म है, उसमें आर माधवन है, ज्योतिका है, पक्का टीजर इम्प्रेसिव था, ऐसे में इसे थोड़ा बहुत चर्चा में रखना जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन पे प्रमोशन ना करो तो फिल्म हिट नहीं होती है, अगर कंटेंट अच्छा होता है, दमदार होता है, तो सब कुछ सही जाता है। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अजय की फिल्म दृश्यम ले लीजिए, वैसे भी अजय को उतना फिल्म में प्रमोट करना, उसका वो प्रोसीजर बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगता है, और ऐसे ही उन्होंने दृश्यम का भी उतना प्रमोशन नहीं किया था, पर दृश्यम ने बॉक्स ऑफिस पर तो वही कमाल धमाल मचा दिया था क्योंकि उसका कंटेंट काफी अच्छा था। इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड की पहली कुछ फिल्में देखें, जैसे कि आयुष्मान खुराना की विकी डोलर हो, या फिर विद्या बालन की कहानी हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, क्वीन हो, ये ऐसी फिल्में थी ना जो कि कंटेंट की वजह से ही ऑलरेडी खुद को प्रमोट कर रही थी और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इनका प्रमोशन हो रहा था। कहीं शैतान भी ऐसा ही कुछ करके रिलीज तो नहीं होने वाली है? अगर हाँ तो ठीक है भाई, कंटेंट पर विश्वास है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए प्रमोशन, हमें क्या, पर थोड़ा सही ढंग से प्रमोशन अगर हो जाता ना तो फिल्म ऑडियंस की चर्चा का विषय जरूर बन जाती। अब इसके डायरेक्टर विकास बहल जो क्या करेंगे वो तो वही जाने, पर जिन्होंने अपनी फिल्म गणपत की वक्त कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ को कभी मेट्रो के जरिए प्रमोशन करने के लिए भेजा, तो कभी उत्तर प्रदेश की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में भेजा था, तो कभी दिल्ली में भेजा, हालांकि पर चली नहीं, पर प्रमोशन के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। तो वैसे ही शैतान के एक्टर और प्रोड्यूसर होने के नाते अजय देवगन को भी कुछ फैसले लेने की जरूरत है, देखते हैं कि क्या होता है। पर जितनी ऑडियंस को इस फिल्म के बारे में पता है ना, उन्हें उम्मीद है कि फिल्म बढ़िया एंटरटेनर फिल्म साबित होगी और फॉरन जोनर में अजय कुछ अच्छा ही करेंगे। वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, आप कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिना ढोल नगारे बजाए या फिर बिना आने की खबर दिए, इस फिल्म के आए 91 सेकंड के टीजर के साथ ये जो शैतान सामने आया है ना, उसने हम सबको 8 मार्च का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है, और इसे कहते हैं सन्नाटे के बाद तूफान मचा देना। इस टीजर के बीच माधवन की डरावनी आवाज, अजय देवगन और ज्योतिका के होश उड़े चेहरे और थ्रिलिंग दानों की एक बात तो साफ कर दी है कि ये फिल्म काफी हाई लेवल की होने वाली है। और अभी तो आर माधवन का एक सीन या फिर एक भी लुक तक सामने नहीं आया है, सिर्फ उनकी आवाज नहीं सबकी होश उड़ा दी है। तो जरा सोच कर देखिए, जब उनका फर्स्ट लुक आएगा तो क्या होगा? साथ ही अजय देवगन और आर माधवन को एक साथ एक ही फिल्म में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।
जिसके लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। और इसका मतलब ये भी है कि दो टैलेंटेड एक्टर्स हमें इस थ्रिलिंग हॉरर फिल्म से ना काफी एंटरटेन करने वाले हैं। और अगर आपको पता ना हो तो आपको ये बता दें कि ये फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म वश का ही हिंदी रीमेक है, जिसने पूरे गुजरात की ऑडियंस की ना होश उड़ा दिए थे। मतलब इसे गुजरात की ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, और अगर स्टोरी लाइन उसी तरह की हुई तो बेशक मैडी इस फिल्म में एक ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाले शैतान का रोल प्ले करने वाले हैं, जो अजय देवगन और ज्योतिका जो कि मैरिड कपल है, उन्हें और उनके परिवार की मदद करने की लालच देकर उन्हें अपने कहानी जादू में फंसा देते हैं। ये सुनने में ना काफी ज्यादा एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और टेरिफिक लग रहा है, तो देखने पर तो भाई मजा ही आने वाला है। और काफी वक्त से ना हिंदी सिनेमा में एक अच्छी हॉरर थ्रिलर पर नहीं आई है। हाँ, भूल क्लियर टू आई थी, लेकिन वो हॉरर कॉमेडी थी और काफी सारे देखने वालों को तो डरावनी बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन फिल्म के एंड ट्विस्ट ने सबके होश जरूर उड़ा दिए थे। इसलिए हॉरर मूवी लवर्स के लिए ये फिल्म किसी ट्रॉफी से कम नहीं होने वाली है। साथ ही अजय देवगन इस साल एक नहीं बल्कि चार चार फिल्मों के साथ आने वाले, जिसमें से शैतान आएगी मार्च में, उसके बाद ईद पर आएगी मैदान जो कि एक बायोग्राफी मूवी है और फुटबॉल लवर्स के लिए तो ट्रॉफी के समान है भाई, और उसके बाद आएगी औरों में कहा दम था, और फिर उसके बाद आएगी इंडिपेंडेंस डे पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि सिंह बगे, जिसकी स्टार कास्ट ही ऐसी है ना कि उनका नाम सुनकर ही लोग थिएटर में फिल्म देखने के लिए चले जाएंगे। साथ ही एक सीरियस फैमिली मैन का किरदार अजय देवगन से बेहतर और कौन प्ले कर सकता है भला, जिन्होंने दृश्यम और रेड जैसी फिल्मों में अपने सीरियस लुक से हम सबका दिल जीत लिया है, और मैडी का विलन बनना हमारे एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। तो इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कोई है आप भी थी आहट डायन, ऐसी कई सारे तंत्र मंत्र वाले टीवी शोज आपने देखे होंगे, फिल्में भी देखी होगी, पर उन सब में ना आपको चाय कम पानी लगा होगा जिन्होंने गुजराती फिल्म वश देखी होगी। और अब इसका हिंदी रिमेक बन रहा है जिसका नाम है शैतान, जिसमें दिखाई देंगे अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका। वैसे आर माधवन और अजय को रियलिटी शो बिग बॉस में प्रमोशन करते हुए देखा गया था, तब कहीं दिमाग में आया कि अरे शैतान बने, आर माधवन का चेहरा इन्होंने पहले ही दिखा दिया और बता भी दिया कि कौन शैतान है। हाँ हमें पहले ही पता था, पर शैतान को सस्पेंस में रखना बहुत जरूरी था ना, उससे फिल्म का सस्पेंस बढ़ जाता, पर इन दोनों ने ये एक्साइटमेंट पहले ही खत्म कर दी है। वैसे फिल्म का टीजर देखने के बाद ऐसा भी लगा कि शैतान में शैतान का रोल अगर अजय देवगन निभाते और अजय वाला रोल अगर माधवन निभाते ना तो कितना मजा आता। इस बात से अगर आप अग्री करते हैं ना तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अजय को इससे पहले हमने दृश्यम जैसी फिल्म में एक प्रोटेक्टिव फादर फैमिली मैन के कैरेक्टर में देख लिया है और वो उसी को रिपीट करने जा रहे हैं फिल्म शैतान में। ऐसे में अगर अजय शैतान वाला कैरेक्टर निभाते तो उनकी आवाज भी ना इस फिल्म में काफी कमाल का काम करती, क्योंकि वैसे भी वो जब बात करते हैं तो लोगों को डर लग ही जाता है, और साथ ही ऑडियंस को अजय देवगन को अलग कैरेक्टर में देखने का मौका भी मिल जाता। अगर ये रिमेक बना ही रहे तो उन्हें रोल को ना सफल करना ही चाहिए था, तब मजा आता। वैसे यहाँ तक तो आप हमसे अग्री करेंगे ही, पर रोल अगर सफल होता भी या फिर नहीं भी होता तब भी एक बात सोलाने सच है कि आर माधवन जैसे सीजन या फिर एक्सपीरियंस एक्टर किसी भी रोल में कमाल करते। एक्चुअली यही तो फिल्म की खासियत है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी जबरदस्त है। वैसे इस फिल्म के जरिए पर एक बार साउथ बॉलीवुड कोलैबोरेशन करते हुए मेकर्स ज्योतिका को लिया है, तो इस फिल्म को जरूर फायदा होगा। अगर ये मलयालम तेलुगु तमिल कन्नड़ में रिलीज हो रही होगी तो वैसे शैतान फिल्म का बजट अभी 100 करोड़ बताया जा रहा है जो कि नॉर्मल सा बजट है। अब 100 करोड़ का बजट तो रख ही सकते हैं, क्योंकि एक तो इस फिल्म के VFX पर अजय देवगन की VFX कंपनी काम करने वाली है, तो वहां पर उन्हें एक फायदा होता है, ऊपर से अजय इस फिल्म में प्रोड्यूसर के तौर पर भी है, तो वो कितनी फीस लेंगे, लेंगे भी नहीं या फिर पता नहीं जो भी करेंगे वो वही जाने, पर ये कितना पैसा लगाते हैं या फिर लेते हैं ये अभी नहीं पता है, पर ये फिल्म पैसा वसूल तो होनी ही चाहिए। वैसे आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। खेल है, खेलना चाहोगे पर इस खेल का एक रूल होगा, मैं जो भी कहूं पर मेरे बहकावे में मत आना। जब एक डरावनी स्माइल के साथ की डायलॉग हम आर माधवन के मुंह से सुनते हैं तो दिमाग में घंटी बजती है कि क्या ये वही 3 इडियट्स वाला फरहान है जो अब्बा नहीं मानेंगे कि रो रहा था।
और अब इसका उल्टा, ये सब शैतान में नजर आ रहे हैं और बाकी को रुलाने पर तुले हुए हैं। तो आर माधवन, अजय देवगन और एक्ट्रेस ज्योतिका की अपकमिंग फिल्म शैतान, जो कि एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, उसमें होगा ब्लैक मैजिक और आर माधवन बनेंगे शैतान और नचाएंगे अजय और ज्योतिका को अपनी उंगलियों पर। वैसे ये गुजराती फिल्म वश का रीमेक है जो कि 2023 में रिलीज हुई। वैसे वश फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं किया, तो इन्होंने सोचा चलो कि हम इसे उठाकर पैसे कमा लेते हैं। पर इसके लिए अजय देवगन ने पैसे भी लगाए हैं प्रोड्यूसर के तौर पर और इसे डायरेक्ट करेंगे विकास बहल, जिनकी गणपत तो आपने देखी ही होगी और दिल से बस एक ही आवाज आई होगी, गणपत पार्ट टू बनाने की जरूरत भी मत करना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। वैसे ज्योतिका फिल्म डोली सजा के रखना 1997 रिलीज फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी थी और उसके बाद वो अब प्रोमिनेंट रोल में नजर आएंगी, जहां वो अजय की पत्नी का कैरेक्टर निभाएंगी। इसमें एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला भी नजर आएंगी, जिन्होंने वश में बेटी का रोल किया था और वो शैतान में अजय की बेटी का कैरेक्टर निभाएंगी। वैसे वश की कहानी बहुत ही सिंपल है, जैसे एक फैमिली वेकेशन पर जाती है, वहां पर एक विलेज में रहती है और वहां का एक बंदा उनका विश्वास जीत लेता है जबकि वो शैतानी होता है और फिर डार्क मैजिक का खेल शुरू हो जाता है, जिससे फिल्म के लीड हीरो को अपनी फैमिली को बचाना होता है। मतलब बहुत ही बेसिक कहानी है जो हम कई और फिल्मों में देख चुके हैं, तो शैतान में इसी कहानी को फिर से दिखाया जाएगा। पर इसकी कास्ट और विकास बहल के डायरेक्शन को देखते हुए इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ सकता है और अजय देवगन फिर से फैमिली मैन बनते हुए नजर आएंगे, जैसे कि फिल्म दृश्यम में नजर आए थे जो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर प्रोटेक्टिव बनते थे। पर अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसमें अजय ही सबको गुमराह कर रहे थे और यहाँ पर शैतान यानी कि आर माधवन अजय को गुमराह करेंगे। वैसे फिल्म का टीजर बहुत ही इंप्रेसिव इसलिए था क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी नॉर्मल फिल्म में और खास करके हॉरर फिल्म में, जो ऑडियंस के दिलों की धड़कन और सस्पेंस बढ़ाता है। और ये काम इस बार करेंगे अमित त्रिवेदी, जिन्होंने इससे पहले विकास की फिल्म क्वीन के लिए भी काम किया है और जिनकी ओरिजिनलिटी और प्योर कंपोजिशन की वजह से ही फिल्म को चार चांद लगने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक एक्टर जब प्रोड्यूसर की कुर्सी में बैठता है ना, तब उसका दिमाग अलग से चलने लगता है, चलने नहीं लगता है बल्कि दौड़ने लगता है बढ़िया प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। कुछ इसी तरह से अजय देवगन फिल्म शैतान के प्रोड्यूसर बनने की बात कर रहे हैं। अब उनकी अपकमिंग हॉरर फिल्म शैतान गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। अब वश को लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि इस फिल्म ने तो बहुत कम कमाई की थी या फिर ये फ्लॉप फिल्म थी। पर जैसे ही शैतान की अनाउंसमेंट हुई, टीजर आया, कुछ गुजराती या फिर बाकी फैंस ये भी कह रहे कि फिल्म वश एक हफ्ते के बाद ही हाउसफुल हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि जो फिल्म हाउसफुल होगी ऑडियंस को पसंद तो आ ही होगी, उसी का रीमेक बनाने का बॉलीवुड वाले सोचेंगे ना, फ्लॉप फिल्म की थोड़ी ना सोचेंगे, वरना वो ऐसी कोई भी फिल्म ऐसे ही थोड़ी उठा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पर अब फैंस की ये ख्वाहिश है कि डायरेक्टर विकास बहल शैतान को गणपत जैसा ना बनाए। हाँ, वैसे हम बात कर रहे थे शैतान के एक्टर और प्रोड्यूसर अजय की प्लानिंग की। अब अजय देवगन और बाकी प्रोड्यूसर्स जो अजय की फिल्म दृश्यम के प्रोड्यूसर्स भी थे, उन्होंने वश के राइट्स खरीद लिए। पर जैसे कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, उस तरह का वश का हाल नहीं है, क्योंकि अजय देवगन और बाकी प्रोड्यूसर्स ने वश को अपने वश में कर लिया है। जी हाँ, मतलब वश आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस कंपनी ने इसके राइट्स खरीदे हैं उस कंपनी को अजय देवगन और बाकी प्रोड्यूसर्स ने रोका और कहा कि वश ओटीटी पर रिलीज नहीं करनी है। अरे, यहाँ पर कोई दादागिरी नहीं है बल्कि बढ़िया दिमाग है, स्ट्रैटेजी है। अब सोचिए, अगर वश को लोग देखेंगे शैतान रिलीज होने से पहले, तो उन्हें स्टोरी का पता चल जाएगा ना, फिर वो शैतान देखने में ना कतराएंगे, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ये डर तो भाई होगा ही ना मेकर्स को, भले ही बॉलीवुड वाले अपने क्रिएटिविटी दिखा ले उसमें, पर कंटेंट तो वही होगा सेम टू सेम। ऐसे में ओटीटी पर या फिर इंटरनेट पर कहीं पर भी वो फिल्म अवेलेबल नहीं रहे, इसलिए उन्हें रोका गया है, वरना क्या फायदा उसका रीमेक बनाकर और उस पर पैसा लगाकर। वैसे शैतान की स्टारकास्ट को ऑडियंस ने थम्सअप दे दिया है, क्योंकि अजय, आर माधवन और ज्योतिका जैसे एक्टर्स अपने क्लासी परफॉर्मेंस से लेवल रेज करेंगे। जी हाँ, इसलिए टीजर को बिना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब कुछ लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि
अजय बैक टू बैक अलग अलग जेनर्स वाली फिल्में कैसे कर रहे हैं, जो एक तरफ सिंघम अगेन जैसी एक्शन फिल्म कर रहे हैं, मैदान जैसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कर रहे हैं, और अब शैतान में एक फैमिली बनकर नजर आएंगे। वाओ, मतलब तो उम्मीद है कि शैतान एक बेस्ट ट्रीट साबित हो। फिलहाल आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसा परफॉर्म करने वाली है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और जब एक्टर आर माधवन, अजय देवगन और एक्ट्रेस ज्योतिका जैसे क्राउड पुलिंग एक्टर्स एक ही फ्रेम में दिखाई दे तो मैजिक तो क्रिएट होता ही है। पर इस बार बात सिर्फ मैजिक तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब ब्लैक मैजिक भी होगा, यानी कि जादू टोना होगा। तो इन तीनों की फिल्म शैतान ब्लैक मैजिक पर ही बेस्ड है। राजे अजय ने साउथ की सुपर हिट फिल्म कैथी का रीमेक बनाया भोला के रूप में, और अब ये फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक होने वाली है। वैसे टीजर से हमें पता चलता है कि आर माधवन का कमांडिंग नरेशन और ज्योतिका और अजय देवगन का कमांडिंग प्रेजेंस हमें ये फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। इतना ही नहीं बल्कि ये जो थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है ना, ऐसी डेफिनेटली कई सारी फिल्में हमने पहले भी देखी होगी, पर इस फिल्म के साथ हमें इंटरनेशनल टच दिखाई देगा। जिस तरह से इस फिल्म की कुछ शूटिंग लंदन में की गई है, तो लोकेशंस फ्रेश और अमेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस इस फिल्म को वो इंटरनेशनल टच देगा। वैसे फिल्म की लंदन की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है और आगे का काम इंडिया की बाकी लोकेशंस पर किया जाएगा। वैसे आजकल कोई भी फिल्म वीएफएक्स के बिना तो आगे बढ़ती ही नहीं है, जैसे कि वो फिल्मों की लाइफलाइन बन चुकी है, और शैतान बिना उसके लिए कोई एक्सेप्शन साबित नहीं होने वाली है। शैतान में भी ना भरपूर वीएफएक्स हमें देखने को मिलेंगे, और इसमें भी खुद अजय देवगन ही कंट्रीब्यूशन देंगे, जैसे कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, उसी तरह से उनकी कंपनी एनवाई वीएफएक्स वाला जिसके वो ओनर है, वो इस फिल्म के वीएफएक्स का काम संभालेगी। ये वही कंपनी है जिसने अजय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म तानाजी, गोलमाल अगेन, रेड, शिवाय जैसी फिल्मों के लिए काम किया है। इसके साथ साथ सिम्बा, पोस्ट टू जैसी फिल्मों के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ऊपर से अगर साउथ फिल्मों की बात करें तो फिल्म बाहुबली 2 के लिए भी उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट वीएफएक्स कंपनी है, और अजय देवगन जिस भी फिल्म के साथ जुड़े हैं उसके वीएफएक्स के तौर पर उनकी ही कंपनी ने काम किया है। तो अब यही कंपनी करेगी शैतान के लिए भी काम, यानी हम एक प्रॉमिसिंग वीएफएक्स कंपनी के विजुअल इफेक्ट्स पर्दे पर देखने वाले हैं, जिससे क्वालिटी अश्योरेंस तो मिल ही जाता है। तो जो भी चीज होने वाली है ये बहुत ही इनक्रेडिबल होने वाली है। बाकी तो स्टार कास्ट का परफॉर्मेंस, स्टोरी और विकास बहल का डायरेक्शन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। वैसे विकास बहल ने फिल्म गणपत जैसी डिस्टोपियन फिल्म बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर फिर भी अब उन्हें शैतान से पंगा लेना है। अब पंगा तो लेने दो, बस फिल्म अच्छी होनी चाहिए। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन फिल्म मेकर विकास बहल के साथ एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आए हैं दोस्तों, जिसमें उनकी भिड़ंत आर माधवन से होगी। मूवी से कल 25 जनवरी को टीजर आने वाला है, जिसके साथ मूवी का फर्स्ट पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसमें अजय के साथ बाकी कास्ट है और चारों तरफ जादू टोना वाली गुड़िया लटक रही है दोस्तों। ये वश नाम की गुजरती फिल्म का हिंदी रीमेक है। ताजा अपडेट ये है कि अजय और माधवन की ये फिल्म शैतान नाम से सिनेमाघरों में 8 मार्च 2024 को रिलीज होगी। इसकी स्टोरी काले जादू टोने के आसपास घूमती दिखेगी। शैतान की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसका ज्यादातर पार्ट मुंबई, मसूरी और लंदन में शूट हुआ है। यह अजय और माधवन की साथ में पहली फिल्म है। इस फिल्म को पैरानॉर्मल स्टूडियोज के बैनर में अजय कुमार, मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा डायरेक्टेड है। दोस्तों अजय इससे पहले भी सुपरनेचुरल थ्रिलर जॉनर में काम कर चुके हैं, जिसमें भूत और काल जैसी फिल्में इंक्लूडेड हैं। जानकी बूढ़ीवाला की ये पहली हिंदी फिल्म होगी। वहीं दोस्तों गुजराती सिनेमा में छेलो दिवस और तंबूरन में काम कर चुकी ज्योतिका 25 साल बाद इस हिंदी फिल्म शैतान से जुड़ रही हैं। अजय जल्द ही मैदान में भी नजर आने वाले हैं, जो इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। इसका डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है। इसके अलावा दोस्तों वो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म सिंघम अगेन को लेकर भी बज में है। इस फिल्म से उनकी फर्स्ट ग्लिम्स सामने आ चुकी है। इसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान और टाइगर श्रॉफ भी हैं। दोस्तों औरों में कहां दम था भी अजय के खाते में जुड़ी हुई है। अब आप अजय की किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए,
क्योंकि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन, फिल्ममेकर विकास बहल के साथ एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आए हैं, जिसमें उनकी भिड़ंत आर माधवन से होगी। ये वश नाम की गुजराती फिल्म का हिंदी रीमेक है। ताजा अपडेट ये है कि अजय और माधवन की ये फिल्म शैतान नाम से सिनेमाघरों में 8 मार्च 2024 को रिलीज होगी। इसकी स्टोरी काले जादू, जादू टोने के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। शैतान की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसका ज्यादातर पार्ट मुंबई, मसूरी और लंदन में शूट हुआ है। ये अजय और माधवन के साथ में पहली फिल्म है। इस फिल्म को पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर में अजय कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा ये फिल्म डायरेक्टेड है। अजय इससे पहले भी सुपर नेचुरल थ्रिलर जॉनर में काम कर चुके हैं, जिसमें भूत और काल जैसी फिल्में इंक्लूडेड हैं। जानकी बोदीवाला की ये पहली हिंदी फिल्म होगी। वहीं गुजराती सिनेमा में छेलो दिवस, तंबूरों में काम कर चुकी ज्योतिका 25 साल बाद इस हिंदी फिल्म शैतान से जुड़ रही है। अजय जल्द ही मैदान में नजर आने वाले हैं, जो इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। इसका डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है। इसके अलावा वो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म सिंघम अगेन को लेकर भी बज में हैं। इस फिल्म से उनकी फर्स्ट ग्लिम्स सामने आ चुकी हैं। इसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान और टाइगर श्रॉफ भी हैं। औरों में कहां दम था भी अजय के खाते से जुड़ी है। आप अजय की किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन, फिल्ममेकर विकास बहल के साथ एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आए हैं, जिसमें उनकी भिड़ंत आर माधवन से होगी। ये वश नाम की गुजराती फिल्म का हिंदी रीमेक है। ताजा अपडेट ये है कि अजय और माधवन की ये फिल्म शैतान नाम से सिनेमाघरों में 8 मार्च 2024 को रिलीज होगी। इसकी स्टोरी काले जादू, जादू टोने के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। शैतान की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसका ज्यादातर पार्ट मुंबई, मसूरी और लंदन में शूट हुआ है। ये अजय और माधवन के साथ में पहली फिल्म है। इस फिल्म को पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर में अजय कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा ये फिल्म डायरेक्टेड है। अजय इससे पहले भी सुपर नेचुरल थ्रिलर जॉनर में काम कर चुके हैं, जिसमें भूत और काल जैसी फिल्में इंक्लूडेड हैं। जानकी बोदीवाला की ये पहली हिंदी फिल्म होगी। वहीं गुजराती सिनेमा में छेलो दिवस, तंबूरों में काम कर चुकी ज्योतिका 25 साल बाद इस हिंदी फिल्म शैतान से जुड़ रही है। अजय जल्द ही मैदान में नजर आने वाले हैं, जो इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा पर बेस्ड है। इसका डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है। इसके अलावा वो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म सिंघम अगेन को लेकर भी बज में हैं। इस फिल्म से उनकी फर्स्ट ग्लिम्स सामने आ चुकी हैं। इसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान और टाइगर श्रॉफ भी हैं। औरों में कहां दम था भी अजय के खाते से जुड़ी है। आप अजय की किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कि बार बार पोस्टपोन होकर थक चुकी मूवी मैदान फाइनली मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसका टीजर भी देखा गया जो काफी इंप्रेसिव था। इतना ही नहीं बल्कि टीजर को मोस्ट व्यूड हिंदी टीजर भी कहा गया, जिसने पहले 24 घंटे में 30 मिलियन व्यूज हासिल किए और ओवरऑल 50 मिलियन व्यूज पाकर ये सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि पहली पोजीशन पर मूवी आदिपुरुष का हिंदी टीजर है जिसने 60 प्लस मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। पर कोई बात नहीं, इतना पोस्टपोन होने के बाद अचानक से ईद पर रिलीज होने का फैसला लेने वाली ये मूवी ऑडियंस की नज़र में तो आ चुकी है। तो ये मूवी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ड है। वैसे इस मूवी के प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते हैं कि ये मूवी फुटबॉल के जरिए उतना इम्पैक्ट डाल सके जितना आमिर खान की मूवी लगान ने क्रिकेट के जरिए डाला था। अब लगान भी कुछ हल्के में नहीं बनी थी, क्रिकेट है मतलब ग्राउंड चाहिए, तो उस तरह से चीज़ों के लिए पैसा भी बहाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों के लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो है ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक फील, जो ऑडियंस को फील हो, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही सब मैदान के लिए करते वक्त बोनी कपूर की तो नींदें ही उड़ गई। मतलब शाहिद कपूर की फिल्म का वो गाना है ना, उड़ गए तोते तेरे, तेरे तो उड़ गए तोते, वैसा ही कुछ हुआ। अब प्रोड्यूसर के तौर पर बोनी कपूर के साथ और जी स्टूडियोज भी जुड़ चुका है, जिनकी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 और 60 करोड़ के बजट में बनाया गया। पर इस बार मैदान के लिए बजट कम ना हो ऐसा इन लोगों को लगा, क्योंकि गदर 2 के बाद इन्हें एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए। तो पैसा बहाते हुए इस मूवी के लिए इन्हें रियल मैदान चाहिए थी, कोई सेट नहीं, जिसके लिए 6 महीने के लिए एक मैदान दिया गया। पर फिर पेंडेमिक आया और शूटिंग नहीं हो पाई।
और फिर भी प्रोड्यूसर को उसकी फीस देनी पड़ी। फिर साइक्लोन की सिचुएशन आई, ऐसे में भी बिना मतलब के रेंट देना पड़ा और शूटिंग के दौरान ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए 500 क्रू मेंबर्स रहते थे, फिर उनका खर्चा, तो शूटिंग ना होते हुए भी रेंट भरते रहना, इसकी वजह से बोनी कपूर जी की नींद हराम हो चुकी थी। अब क्या करें, खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं मैदान कैसी होगी, बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बाय बाय। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की आखिरी फिल्म थी भोला, जिसे आप रोज प्लस पर ना, पर उस सब की भरपाई करने का उनके पास ना एक बढ़िया मौका है, या यूं कहे कि ये साल तो बस अजय देवगन के ही नाम पर है, पर उनकी फिल्मों को लेकर टेंशन तो है, और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो अक्षय कुमार की हुई गलती को दोहरा तो नहीं रहे, जिससे कि अक्षय कुमार का नुकसान हो गया था। देखिए उनकी फिल्म मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें अजय प्ले करने वाले ने सैयद अब्दुल रहीम नाम के फुटबॉल कोच का किरदार, तो बेसिकली ये एक बायोपिक है। ये ईद पर रिलीज होने वाली है और उसके साथ रिलीज होने वाली है अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। अब बड़े मियां छोटे मियां का हाइप तो सातवें आसमान पर है, पर मैदान का वैसा कोई बज नहीं है, जबकि ये तो अजय देवगन की फिल्म है। अब इन सब के चक्कर में मैदान के पीछे रहने की चिंता तो होने ही वाली है, और उसका एक और रीजन ये है ना कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट का रिलीज और क्लैश। बैक टू बैक प्रोजेक्ट रिलीज करना ये अक्षय कुमार की आदत है, और उनकी किस्म में ऐसा देखा गया था, हमने ये चीज बार बार देखी और वहाँ पर उन्हें पीरियड का सामना करना पड़ा। अब 2022 में ही देख लीजिए अक्षय की पर रक्षाबंधन 11 अगस्त को रिलीज हुई और उसके एक महीने बाद कठपुतली रिलीज हुई, उसके एक महीने बाद अक्टूबर में राम सेतु रिलीज हुई, मतलब हर एक महीने में अक्षय कुमार की फिल्म थी। और बैक टू बैक प्रोजेक्ट जिसका कंटेंट तो अच्छा नहीं था, पर बैक टू बैक रिलीज के चलते मामला थोड़ा सा ना और गड़बड़ हो गया, उन्होंने क्लैश भी किया, और सामने अगर कोई बड़ी फिल्म हो तो जाहिर है कि ऑडियंस के पास ना ऑप्शन अवेलेबल है, और वो हर बार अक्षय की फिल्म पर पैसा थोड़ी ना खर्च करेंगे। अब अजय की इसमें भी यही चीज ना हो जाए, ये डर सबके मन में है, पर अभी देखे तो उनकी फिल्म शैतान 8 मार्च को रिलीज होने वाली है, फिर अप्रैल में उनकी फिल्म मैदान रिलीज होगी, फिर उसके 2 महीने बाद एक और फिल्म है, मतलब कि बड़ा गैप नहीं है, और बड़े मियां छोटे मियां के चलते लोग मैदान की ओर कितना जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, तो क्लैश भी सही नहीं है, क्योंकि सामने वाली फिल्म अनदर लेवल पर है, इसका कंटेंट भी अच्छा होने वाला है और काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, और दो फिल्मों में ऐसी फिल्म को ऑडियंस पहले देखना पसंद करेंगी जिसका हाइप ज्यादा हो और जिसका कंटेंट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा हो, और फिलहाल मैदान की चर्चा उतनी है नहीं, अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो ही ये फिल्म आगे अच्छी हो सकती है, अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो ही दूसरी फिल्म को भी देखा जाएगा, तो मैदान वाले शायद ये भूल गए कि उन्हें कुछ करना चाहिए ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, वरना पता नहीं कहीं उनका बेड़ा गर्क ना हो जाए। तो अक्षय की तरह गलती करे या फिर कुछ और, पर अजय के पास फिल्म तो है और बैक टू बैक रिलीज करने का मौका भी है, बस थोड़ा सा प्रमोशन करना और फिल्म का कंटेंट अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्पोर्ट्स ड्रामा और फुटबॉल थीम बेस्ड पर मैदान बड़ी ठोकरे खाकर अब जाकर रिलीज होने वाले हैं, और इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर जी को अपनी बेटी जानवी कपूर के करियर की जितनी टेंशन नहीं होगी ना, उतनी इस फिल्म की रिलीज की टेंशन होगी, पर जानवी और मैदान से उन्हें एक उम्मीद तो होगी कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हो। खैर हमारा टॉपिक जानवी और करियर नहीं है बल्कि मैदान है, वैसे मैदान रियल फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचाया, और इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब भी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थी, पर ये अचानक से गायब हो गई और अचानक से अब आएंगे रिलीज डेट लेकर, पर तुम को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ना कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो OTT वाली फिल्म है, शायद ऐसा डाउट होगा कि फिल्म का कंटेंट थिएटर्स में ना बिठाए रखेगा या फिर नहीं, ऐसे अभी OTT का कंटेंट भी जबरदस्त होता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब कोविड ने सबकी जेब खाली करवाई ना तब OTT अपनी जेब भी भर रहा था। हाँ पर ये देखना जरूरी है कि मैदान वाले कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करते हैं, एक ऐसे एरा को रिक्रिएट करते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वहाँ पर डाउट है, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फिल्म लेवल की हो सकती है, और फिल्म का लेवल नॉर्मल नहीं है, इसमें अब इंटरनेशनल लेवल भी ऐड हो चुका है, दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्होंने शामिल किया है, और जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि फुटबॉल लवर्स प्लेयर्स के चाहने वाले भी ना फिल्म से जुड़ जाते हैं, और क्या पता कोई पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर इसका प्रमोशन कर दे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगता है।
इंडिया में इसका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो अजय देवगन जैसी फिल्म स्टार की फिल्म जो है। साथ ही इस फिल्म के 5 गाने AR रहमान ने कंपोज किए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और जितने भी गाने उन्होंने कंपोज किए हैं वो अब तक के बेस्ट सॉन्ग्स हैं और उन्हें हर तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं ऐसा बोनी जी ने कहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, मतलब मेकर्स ने खुद ही से बढ़िया स्केल पर बनाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ OTT रिलीज वाली फिल्म तो नहीं हो सकती है ना, ऐसे में से थिएटर्स में तो पहले रिलीज करना ही चाहिए, आगे चलकर तो OTT पर आएगी ही ना। हाँ, पर कहीं ना कहीं इसके मेकर्स चर्चा करने के लिए उतना स्कोप नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद इंटरेस्ट कम होता है। तो इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से चर्चा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पर मैदान उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर मैदान में बाजी मारेगी या फिर नहीं, इस पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम पर बनी है, जो कि ईद पर आएगी और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां वो भी इसी दिन आएगी। पर हम मैदान को लेकर ना चिंता हो रही है, हम इंटरनेट पर जितनी खबरें सुन रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, कहीं भी मैदान का जिक्र नजर नहीं आ रहा है, मतलब उसकी बात उतनी नहीं हो रही है जबकि इसकी शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। पर बड़े मियां छोटे मियां की जोरदार चर्चा है। अब इससे पहले भी अजय और अक्षय ने 9 बार मुकाबले किए हैं, उसमें से अगर हम आखिरी मुकाबला देखें जैसे कि अक्षय की राम सेतु वर्सेस अजय की थन बॉय, तो राम सेतु कलेक्शन के मामले में जीत गई 60 करोड़ के साथ और अजय की फिल्म ने कलेक्शन किया था बस 30 करोड़। अब इन दोनों का ही कलेक्शन बेकार है और दोनों का उतना हाइप भी नहीं था, थोड़ी बहुत बातें हुई थी किसी गाने की वजह से, किसी न्यूज की वजह से, पर आज के एक्शन गाना स्टार कास्ट को लेकर जो हाइप बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पर अब जब अजय की गोलमाल 3 वर्सेस अक्षय की एक्शन रिप्ले आई थी तो क्लियर कट गोलमाल 3 जीत गई थी 100 करोड़ के साथ और उसका हाइप भी था क्योंकि फिल्म के कंटेंट कास्ट को लेकर एक्साइटमेंट थी और ये फिल्म के सक्सेस पे बहुत मैटर करता है। अब बड़े मियां वर्सेस मैदान के केस में बड़े मियां का 1000 करोड़ लेवल का हाइप है, वही मैदान को लेकर कुछ प्रेडिक्ट करना ना आसान नहीं है क्योंकि सामने से मेकर्स भी फैंस के दिलों दिमाग पर छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर बड़े मियां में रियल एक्शन है तो अजय ने इस बायोपिक और रियल कैरेक्टर के लिए क्या क्या रियल किया है उसे लेकर मेकर्स को पूरी चर्चा करनी चाहिए थी। अगर मैदान वालों को ऑडियंस का ध्यान खींचना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा। फिर चाहे वो पोस्टर्स हो, फिर प्रमोशनल कंटेंट हो या फिर अजय की अपकमिंग फिल्म शैतान के साथ मैदान का ट्रेलर लाना हो, तब ना मजा आएगा, लोग जुड़ पाएंगे उस चीज से क्योंकि ऑडियंस को एक ही दिन डबल ट्रीट मिलेगी और डेफिनेटली मैदान चर्चा में तो आएगी। फिर अब इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर के क्या प्लान है वो तो भाई भगवान जाने, क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। उसमें भी किसी ने अंदाजा लगाया है कि बस बोनी कपूर ही प्रमोशन कर सकते हैं क्योंकि अजय बाकी शूटिंग में बहुत बिजी है, तो ऐसे में मैदान का क्या होगा। होप्स की अजय प्रमोशन पे नजर आए क्योंकि फैंस उन्हें एक नए अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और उनके बिना फिल्म की चर्चा नहीं हो पाएगी चाहे बोनी कपूर कितना भी ट्राई कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्या वो भी कोई स्ट्रैटेजी है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं, ये फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो वो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए, अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स जनरल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था, उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे, पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे।
ये मायने बहुत रखता है, तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है पर्ल को। वैसे अजय देवगन की पर्ल को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड पर में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आबद खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की पर्ल रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझता था कि अजय की पर्ल को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं, तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा पर मैदान हमें ऐसे भी स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं आए। तो ये समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अपकम को रिलीज डेट तो मिल चुकी है पर क्या लगता है फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी? तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो वो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते हैं ना। सेकेंडली 40 करोड़, ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा, पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है पर्ल को। वैसे अजय देवगन की पर्ल को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड पर में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आबद खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की पर्ल रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझता था कि अजय की पर्ल को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं, तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा पर मैदान हमें ऐसे भी स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं आए। तो ये समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अपकम को रिलीज डेट तो मिल चुकी है पर क्या लगता है ये फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी? तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो वो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते हैं ना। सेकेंडली 40 करोड़, ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है,
क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे। ये मायने बहुत रखता है, तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आबिद खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझ में आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा पर मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं आए। तो यस, समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। अब फिल्म को रिलीज डेट तो मिल चुकी है, पर क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के मैदान पर पहले ही दिन ये बढ़िया कौन कर सकती है या फिर नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म 10 करोड़ कमा पाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते है ना। सेकेंडली, 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स चैनल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर ही डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे। ये मायने बहुत रखता है, तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आबिद खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझ में आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो अजय देवगन अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को लेकर बहुत टेंशन ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब फिल्म को 7 बार पोस्टपोन होना पड़ा और अब जाकर फिल्म रिलीज होने वाली है, तो टेंशन तो लेना ही पड़ता ना। वैसे अजय की फिल्म सैयद अब्दुल रहीम जैसे फुटबॉल कोच की लाइफ पर बेस्ड है और इसका टीजर भी धमाका कर चुका है। वैसे इसका ट्रेलर शायद चेन्नई में रिलीज हो सकता है। वैसे इससे पहले चेन्नई के कुछ लोगों को प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने फिल्म का ट्रेलर दिखाया और उस वक्त सबसे मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए गए थे ताकि कुछ भी रिवील ना हो जाए। देखते हैं कि अब ट्रेलर कब आएगा। पर फिल्म तो ईद पर आ रही है और इस ईद का चांद भी गर्व से कहने लगेगा कि भाई मैं खुद चांद हूँ। पर मुझे ही 4 चांद लग गए हैं क्योंकि 4 सुपरस्टार्स ईद पर ही फिल्म रिलीज करने वाले हैं, जैसे बड़े मियां छोटे मियां के अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ मैदान के अजय और मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ।
पर पृथ्वीराज और अजय का क्लैश क्यों? मतलब पृथ्वीराज और अजय दोनों ही तगड़े सुपरस्टार्स हैं और दोनों ही क्राउड पुलिंग एक्टर्स हैं, ऐसे में ये खुद ही अपने फिल्मों को नुकसान क्यों करवा रहे हैं? अब वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, एक तो 7 बार मैदान पोस्टपोन हुई, उसे कोई ठिकाना मिल नहीं रहा था, और द गोल्ड लाइट तो 14 सालों से बन रही है, और अब जाकर इन दोनों को एक रिलीज डेट मिली है, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं? पर किसी को तो पीछे हटना चाहिए ना, ताकि वो अपना नुकसान ना करवाए। अब अगर इंडिया में फिल्मों की रिलीज के खास दिनों की बात करें तो ये दिन है दिवाली, ईद, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, और साउथ इंडस्ट्री में पोंगल, जब वहां की बड़ी फिल्मों को रिलीज किया जाता है। यही वजह है कि इन तीन बड़ी फिल्मों के मेकर्स अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर रिलीज कर रहे हैं। शायद मेकर्स बताना चाहते हैं कि ईद पर फिल्म रिलीज करने से ना चांस बढ़ जाते हैं फिल्म के सुपरहिट होने के। ईद के दिन रिलीज फिल्मों का इतिहास देखे तो इनमें सबसे बड़ा नाम है सलमान खान, और इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख की कभी खुशी कभी गम, चेन्नई एक्सप्रेस, डॉन जैसी फिल्में भी ना ईद पर ही रिलीज हुई थी। और सबसे बड़ा दिमाग ये होता है कि हिट नहीं भी हुई फिल्म तो भी बजट का बड़ा हिस्सा निकाल ही लेती है। मेकर्स को ये बात पता है कि फिल्में अगर फ्लॉप भी होती है तो भी इस मौके पर रिलीज होने की वजह से वो स्टार्टिंग में ठीक ठाक कमाई तो कर ही लेती है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, जी हाँ, भारत, ट्यूबलाइट और रेस 3, ये इन्हीं के एग्जाम्पल्स है। इनका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले उतना सुपर हिट फिल्मों की गिनती में ना आया हो, पर फिर भी इन फिल्मों ने ना पहले दिन का रिकॉर्ड या फिर ये कह ले कि पहले दिन का कलेक्शन तो भाई सही सही बना लिया था, जो कि 40 करोड़ के आसपास का रहा है या फिर इससे भी ऊपर रहा है। यही वजह है कि इस साल ये मौका कोई गवाना नहीं चाहता है। लेट्स सी किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान इस ईद पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जहां पर अजय फिल्म के लीड हीरो है, और इस कैरेक्टर के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर के दिमाग में पहला नाम अजय का ही आया था, जो कि एक कंसिस्टेंट एक्टर है। अभी फिल्म की कहानी यानी कि कंटेंट जो कि फिल्म को ड्राइव करता है वो कैसा होगा, ये तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा, पर स्टोरी को डायरेक्शन देने वाला दिमाग भी वैसा ही होना चाहिए। सही डायरेक्शन ना मिले ना तो फिर ना कंसेप्ट काम आता है और ना ही परफॉर्मेंस, बल्कि फिल्म की जो नींव होती है ना वो हिल जाती है। अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं अमित शर्मा, और अगर उनकी फिल्मोग्राफी आप देखोगे ना तो फिर उसमें कुल मिलाकर 4 फिल्में उन्होंने की है, फिर भी इसके बाद बोनी कपूर ने उन पर यकीन दिखाया है। एक्चुअली बोनी कपूर की फिल्म तेवर के तो इस तरह से गिनती को फिल्म से रिप्लेस किया गया। अब मेकर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसे कास्ट करें, और द फैमिली मैन सीरीज में प्रियमणि का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कुछ लोगों को याद था, जिसके तहत उन्होंने प्रियमणि को वो रोल ऑफर किया। प्रियमणि एक माँ के कैरेक्टर में अच्छी लग सकती है और थोड़ा मेकओवर करने के बाद वो स्क्रीन पर परफेक्ट लग सकती है, इसी तरह से उन्हें ये रोल मिला। वैसे प्रियमणि का अजय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कमाल का था, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी 12 से 15 दिन की शूटिंग थी और उन्हें बहुत मजा आया। खैर प्रियमणि को तो शूटिंग में मजा आया, अब हमें फिल्म एंजॉय करनी है, बस रिलीज डेट पोस्टपोन ना हो जाए। फिलहाल आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। खेल पर हिंदी में बहुत सारी फिल्में बनी है, अब एक और फिल्म बनकर तैयार है मैदान। फिल्म का टीजर अजय देवगन की भोला के साथ थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैदान में 1952 से 1962 के बीच इंडियन फुटबॉल के गोल्डन पीरियड को दिखाया गया है। फिल्म की स्टोरी उस टाइम की इंडियन फुटबॉल टीम और टीम कोच सैयद अब्दुल रहीम की है। रहीम इंडिया के वो अनजान हीरो है जिनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में गुम हो गया। अजय देवगन कोच रहीम के रोल में दिखाई देने वाले हैं। रहीम का पूरा नाम सैयद अब्दुल रहीम था। खिलाड़ी बनने से पहले रहीम साहब एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, बाद में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की और साल 1950 में वो इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बने। रहीम की कोचिंग की वजह से उस समय इंडियन फुटबॉल टीम ने बहुत सक्सेस देखी थी। उन्हें मॉडर्न इंडियन फुटबॉल का आर्किटेक्ट कहा जाता है। वो बहुत बढ़िया मोटिवेटर थे। उनकी गाइडेंस में इंडिया 1952 और 1962 में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। उनकी ट्रेनिंग में इंडिया की फुटबॉल टीम को 1956 में मेलबर्न में हुए ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स में खेलने का मौका मिला था। साल 1962 में जकार्ता के एशियन गेम्स के दौरान कोच सैयद अब्दुल रहीम कैंसर से जूझ रहे थे। इंडियन टीम का फाइनल मैच साउथ कोरिया की टीम से होना था जो बहुत मजबूत थी।
जबकि इंडियन टीम के दो खिलाड़ी घायल और गोलकीपर बीमार थे, लेकिन रहीम साहब के डेडिकेशन के कारण ही तीनों खिलाड़ी फाइनल मैच खेले और 2-1 से जीतकर इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। मैदान को बधाई हो वाले अमित शर्मा ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, बोनी कपूर ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस की है। अजय देवगन के साथ प्रिया मणि, आर्यन भौमिक, गजराज राव तथा रुद्रानी घोष फिल्म में मेन लीड में है। फिल्म 23 जून को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। फिल्म की रिलीज डेट कई बार अलग अलग कारणों से बदली गई है। ये पहले 11 दिसंबर 2020 को रिलीज हो जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन हो गई। बाद में रिलीज डेट 13 अगस्त 2021 थी, फिर 15 अक्टूबर 2021, उसके बाद 3 जून 2022 की गई। इस साल 17 फरवरी को इसकी रिलीज होने की बात थी, मगर ये 23 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या अभी भी ये रिलीज फाइनल हो पाएगी या फिर नहीं, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। 2024 अजय देवगन के लिए एक बड़ा साल होने वाला है। 2023 में जैसे उनकी एक भोला फिल्म रिलीज हुई थी, वहीं दोस्तों 2024 में उनकी 5 फिल्में लाइंड अप हैं और ये सभी फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक हॉरर है, एक थ्रिलर है, एक ओवर द टॉप एक्शन है, तो एक स्पोर्ट्स बायोपिक है। उससे पहले बात कर लेते हैं अजय की अपकमिंग फिल्म मैदान की अपडेट पर, जिसका एक न्यू पोस्टर लॉन्च हुआ है दोस्तों, जिसमें वो काफी सिंपल कपड़ों में दिख रहे हैं और एक पैर से फुटबॉल को किक कर रहे हैं। वहीं दोस्तों उसके पीछे लिली त्रिकुट की कोई जगह है। मैदान वो फिल्म है जो पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है। बड़े स्टार्स की फिल्मों के साथ ऐसा कमी देखने को मिलता है कि फिल्म रेडी होने के बावजूद प्रोड्यूसर उसे रिलीज करने में कतरा रहे हों। मैदान के साथ ऐसा हुआ, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों शायद मेकर्स ऐसे रिलीज डेट ढूंढ रहे थे जहां वो अपनी फिल्म को अकेले रिलीज कर पाए। पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हो पाया और अब इन्होंने सोचा होगा कि चलो अब कर देते हैं, पर अफसोस सोचा हुआ काम भी कहाँ होता है दोस्तों। इसलिए अब मैदान अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ से टकराएगी, क्योंकि दोनों ही फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हो रही हैं। मैदान पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसमें अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है। सैयद 1952 से 62 के बीच इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे हैं, जिसे इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अजय के अलावा इस फिल्म में प्रिया मणि और गजराज राव जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म का दोस्तों म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है। दूसरे नंबर पर आती है शैतान। अजय देवगन की 2024 में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म होगी शैतान। ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज हो रही है। ये एक हॉरर फिल्म बताई जा रही है, मगर शुरुआती पोस्टर से ये टिपिकल भूती फिल्म नहीं लग रही दोस्तों। कुछ कैच है इसमें, वो क्या है ये तो आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों बता दूं कि इस फिल्म में अजय के साथ ज्योतिका और आर माधवन भी दिखेंगे। वहीं अगले नंबर पर आती है औरों में कहां दम था। भाई नीरज पांडे और अजय देवगन की एक साथ पहली फिल्म औरों में कहां दम था 26 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर बताई जा रही है, जिसकी कहानी 2002 से 2023 के बीच घटेगी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, जिमी शेरगिल और साई मंजरेकर जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर SS कीरवानी ने कंपोज किया है। वहीं अगले नंबर पर आती है सिंघम अगैन। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगैन इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। सिंघम अगैन 15 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है। सिंघम अगैन का क्लैश अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से भी हो सकता है दोस्तों। वहीं 5वें नंबर पर आती है रेड 2। 2018 में फिल्म रेड रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन ने इनकम टैक्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया था, जो एक नेता के घर रेड मारता है। इस हिट फिल्म में इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला भी थे। फिल्म के सीक्वल रेड 2 की रिलीज डेट 15 नवंबर 2024 है। फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला भी नजर आएंगे। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी साल में अजय देवगन की बैक टू बैक इतनी फिल्में रिलीज हो रही हैं। आपको बता दूं कि साल 1993 में अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई थी। 1993 में अजय दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बेदर्दी और धनवान जैसी फिल्मों में दिखे थे। वहीं साल 2003 में अजय की 7 फिल्में थिएटर्स में लगी थी। ये फिल्में थी भूत, कयामत, चोरी चोरी, गंगा जल, परवाना, जमीन और LOC कारगिल। 2005 में अजय की 8 फिल्में रिलीज हुई थी। ये 8 फिल्में थी इंसान, ब्लैकमेल, जमीर, टेंगा चार्ली, काल, मैं ऐसा ही हूँ, अपहरण और शिखर। साल 2010 में अजय की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी और ये फिल्में थी अतिथि तुम कब जाओगे, राजनीति, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, आक्रोश, गोलमाल 3 और टुनपुर का सुपर हीरो। अब दोस्तों उसके बाद से हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार्स ने अपने काम का तरीका ही बदल दिया है। अक्षय कुमार को छोड़ दें तो सभी नामचीन सितारों में से साल में वो बस एक या दो फिल्में करनी उन्होंने शुरू कर दी हैं और वही चीज़ वो आज तक करते आ रहे हैं।
अजय कई सालों बाद साल में 2 या 3 से ज्यादा फिल्में में दिखाई देंगे। अब आप अजय की कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा। लगता है साल 2024 में बॉलीवुड वालों की देशभक्ति ना जाग उठी है, एक के बाद एक पैट्रियोटिक फिल्में, फाइटर, बड़े मियां छोटे मियां, सिंघम अगेन, और अब मैदान और बॉलीवुड में हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग सब कुछ हो गया है और फुटबॉल की बारी है। वैसे अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम पर बेस्ड है, पर मैदान कुछ कुछ जगहों पर अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड की तरह है, जो एक हॉकी बेस्ड फिल्म थी। अब गोल्ड और मैदान का पोस्टर लगभग सेम ही लगता है, जिसमें लीड हीरो की पिक्चर है और नीचे उनकी टीम है। मोस्टली स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए ऐसा ही टेम्पलेट इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों फिर गोल्ड में हमें 1948 का पीरियड दिखाया गया था, जहां अक्षय हॉकी कोच बने थे, तो मैदान में हमें 1950 का पीरियड दिखाया जाएगा, जहां अजय एक फुटबॉल कोच बनते हुए नजर आएंगे। गोल्ड में बिना कुछ हद तक या फिर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में मोस्टली ऐसा ही होता है। जो लीड कैरेक्टर की केस में कभी गद्दार का टैग लगता है, कभी वो ऐसे मुकाम पर पड़ती है जैसे फिल्म सुल्तान में सुल्तान को दिखानी पड़ी थी, या चक दे इंडिया में शाहरुख खान को दिखानी पड़ी थी, वैसा ही गोल्ड में भी हुआ था और अब मैदान में भी होगा। साथ ही दोनों फिल्मों में ओलंपिक मेडल जीतने का गोल, ऐसे कई सारे फैक्टर्स कॉमन दिखाई दे। रिलीज डेट 7 बार पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि मेकर्स की कोशिश है कि वो इंडिया के उस गोल्ड एरा को पर्दे पर मैसिव स्केल के साथ दिखाए, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। सिक्योरिटी वर्क को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। अब कॉन्सेप्ट वही है देशभक्ति वाला, पर ये कहानी एक रियल इंसान की कहानी है, तो कुछ नया भी देखने को मिलने वाला है। वैसे इसमें जो फुटबॉल मैचेस दिखाए जाएंगे, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे जापान, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज, ताकि रियलिस्टिक फील जो है ना वो आ सके। फिर अजय और एक्ट्रेस प्रियमणि जैसे टैलेंटेड एक्टर्स जो इमोशन इमोट करने में माहिर है, और ऊपर से AR रहमान का मैजिकल म्यूजिक जो सिर्फ गूज़बम्प्स लाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से अभी तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी है उसमें से ये 2 कदम आगे हो सकती है, क्योंकि इसका स्केल इंटरनेशनल लेवल का है, जो इसे नॉर्मल फिल्म नहीं बनाता है। और प्रेजेंटेशन, इमोशंस, डिलीवरी, कंटेंट और परफॉर्मेंस, ये चीजें ना एक फिल्म को दूसरी फिल्म से बहुत अलग बना सकती है। तो मैदान के साथ भी वैसा ही हो। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साल 2018 में अजय देवगन की फिल्म मैदान अनाउंस हुई थी, तब अज्यूम किया जा रहा था कि ये फिल्म 2019 या फिर 2020 तक बड़े पर्दे पर रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब तो 2024 आ चुका है, लेकिन फिल्म का तो कोई अता पता नहीं है। यहाँ सनी देओल याद आ गए, मतलब कि उनका डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख है। तो फायदा भी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मैदान ईद 2024 पर रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी भी डेट नहीं आई है। सो सैड फॉर यू मिस्टर अजय। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर इसे कंफर्म किया है। पहले मेकर्स ने अनाउंस किया था कि मैदान को 27 नवंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा, लेकिन उस साल कोविड के चलते फिल्म पर काम नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट फिल्म फाइनल हुई डेट पर रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद अजय देवगन ने अनाउंस किया कि 13 अगस्त 2021 को फिल्म सिनेमाघरों में उतरेगी। अब किस रीजन की वजह से फिल्म तब भी रिलीज नहीं हो पाई, मेकर्स ने अगली रिलीज डेट को कुछ महीने आगे पोस्टपोन कर दिया, और सामने आया कि दशहरा यानी कि 15 अक्टूबर 2021 को ये फिल्म आएगी। हालांकि इस रिलीज डेट पर आगे काफी पंगा हुआ। मैदान के मेकर्स ने दशहरा रिलीज पर अपना रुमाल रख दिया था। उसके बाद SS राजामौली की फिल्म RRR के मेकर्स ने अनाउंस किया कि वो लोग भी अपनी फिल्म दशहरा पर ही ला रहे हैं। जी हां, मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर इस पर बहुत बिगड़े थे। उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में राजामौली को बहुत बुरा भला कहा। उनका कहना था कि राजामौली एक अनप्रोफेशनल फिल्म मेकर है। जी हां, मामला पर्सनल हो गया था। उस साल दशहरा आया, लेकिन ये दोनों फिल्में नहीं आई। फरवरी 2022 को मैदान की अगली रिलीज डेट के तौर पर अनाउंस किया गया। हालांकि ये फिल्म तब भी नहीं रिलीज हो पाई, मगर राजामौली की RRR ठीक इसके 1 महीने बाद सिनेमाघरों पर लग चुकी थी। मैदान के मेकर्स ने फिर घोषणा की कि अब उनकी फिल्म 3 जून 2022 को आएगी। उस फिल्म का बजट बढ़ गया होगा, इसलिए फिल्म नहीं आ पा रही है। मेकर्स ने परेशान होकर इसे डिब्बा बंद कर दिया। फिर सितंबर 2023 में बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू दिया, जहां फिल्म के बंद होने से बातों को उन्होंने फर्जी बताया। उनका कहना था कि फिल्म के VFX का काम बचा हुआ है, वो पूरा होते ही इसे रिलीज किया जाएगा। दोस्तों अब फाइनली फिल्म ईद 2024 पर आ रही है। हालांकि अभी कोई डेट तय नहीं हुई है,
मैदान की रिलीज से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस फिल्म ने पहले से ही ईद की डेट लॉक की हुई थी, अब मैदान अचानक से उस डेट पर आ रही है। बता दें कि 22 जनवरी को बड़े मियां छोटे मियां का टीजर आने वाला था, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से उसे खिसका दिया गया। अब बताया जा रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां का टीजर 24 जनवरी को रिलीज होगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर बोथ फिल्म्स? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। 2024 अजय देवगन के लिए एक बड़ा साल होने वाला है। 2023 में जैसे उनकी एक भोला फिल्म रिलीज हुई थी, वहीं दोस्तों 2024 में उनकी 5 फिल्में लाइन अप हैं, और ये सभी फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक हॉरर है, एक थ्रिलर है, एक ओवर द टॉप एक्शन है, तो एक स्पोर्ट्स बायोपिक है। उससे पहले बात कर लेते हैं अजय की अपकमिंग फिल्म मैदान की अपडेट पर, जिसका एक न्यू पोस्टर लॉन्च हुआ है दोस्तों, जिसमें वो काफी सिंपल कपड़ों में दिख रहे हैं और एक पैर से फुटबॉल को किक कर रहे हैं। वहीं दोस्तों उसके पीछे लिली त्रिकुट की कोई जगह है। मैदान वो फिल्म है जो पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है। बड़े स्टार्स के फिल्मों के साथ ऐसा कभी देखने को मिलता है कि फिल्म रेडी होने के बावजूद प्रोड्यूसर उसे रिलीज करने में कतरा रहे हों। मैदान के साथ ऐसा हुआ, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों शायद मेकर्स ऐसे रिलीज डेट ढूंढ रहे थे जहां वो अपनी फिल्म को अकेले रिलीज कर पाए। पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हो पाया, और अब इन्होंने सोचा होगा कि चलो अब कर देते हैं, पर अफसोस सोचा हुआ काम भी कहाँ होता है दोस्तों। इसलिए अब मैदान अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां से टकराएगी, क्योंकि दोनों ही फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हो रही हैं। मैदान पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसमें अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है। सैयद 1952 से 62 के बीच इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे हैं, जिसे इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अजय के अलावा इस फिल्म में प्रिया मणि और गजराज राव जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म का दोस्तों म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है। दूसरे नंबर पर आती है शैतान। अजय देवगन की 2024 में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म होगी शैतान। ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज हो रही है। ये एक हॉरर फिल्म बताई जा रही है, मगर शुरुआती पोस्टर से ये टिपिकल भूती फिल्म नहीं लग रही दोस्तों। कुछ कैच है इसमें, वो क्या है ये तो आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों बता दूं कि इस फिल्म में अजय के साथ ज्योतिका और आर माधवन भी दिखेंगे। वहीं अगले नंबर पर आती है औरों में कहां दम था। भाई नीरज पांडे और अजय देवगन की एक साथ पहली फिल्म औरों में कहां दम था 26 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर बताई जा रही है, जिसकी कहानी 2002 से 2023 के बीच घटेगी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, जिमी शेरगिल और साई मंजरेकर जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर SS कीरवानी ने कंपोज किया है। वहीं अगले नंबर पर आती है सिंघम अगैन। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगैन इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। सिंघम अगैन 15 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है। सिंघम अगैन का क्लैश अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से भी हो सकता है दोस्तों। वहीं 5वें नंबर पर आती है रेड 2। 2018 में फिल्म रेड रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन ने इनकम टैक्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया था, जो एक नेता के घर रेड मारता है। इस हिट फिल्म में इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला भी थे। फिल्म के सीक्वल रेड 2 की रिलीज डेट 15 नवंबर 2024 है। फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला भी नजर आएंगे। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी साल में अजय देवगन की बैक टू बैक इतनी। अजय देवगन अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को लेकर बहुत टेंशन ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब फिल्म को 7 बार पोस्टपोन होना पड़ा और अब जाकर फिल्म रिलीज होने वाली है, तो टेंशन तो लेना ही पड़ता ना। वैसे अजय की फिल्म सैयद अब्दुल रहीम जैसे फुटबॉल कोच की लाइफ पर बेस्ड है और इसका टीजर भी धमाका कर चुका है। वैसे इसका ट्रेलर शायद चेन्नई में रिलीज हो सकता है। वैसे इससे पहले चेन्नई के कुछ लोगों को प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने फिल्म का ट्रेलर दिखाया और उस वक्त सबसे मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए गए थे ताकि कुछ भी रिवील ना हो जाए। देखते हैं कि अब ट्रेलर कब आएगा। पर फिल्म तो ईद पर आ रही है और इस ईद का चांद भी गर्व से कहने लगेगा कि भाई मैं खुद चांद हूँ। पर मुझे ही 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि 4 सुपरस्टार्स ईद पर ही फिल्म रिलीज करने वाले हैं, जैसे बड़े मियां छोटे मियां के अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ मैदान के अजय और मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ। पर पृथ्वीराज और अजय का क्लैश क्यों? मतलब पृथ्वीराज और अजय दोनों ही तगड़े सुपरस्टार्स हैं और दोनों ही क्राउड पुलिंग एक्टर्स हैं, ऐसे में ये खुद ही अपने फिल्मों को नुकसान क्यों करवा रहे हैं? अब वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, एक तो 7 बार मैदान पोस्टपोन हुई, उसे कोई ठिकाना मिल नहीं रहा था, और द गोट लाइफ तो 14 सालों से बन रही है और अब जाकर इन दोनों को एक रिलीज डेट मिली है, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं। पर किसी को तो पीछे हटना चाहिए ना, ताकि वो अपना नुकसान ना करवाए।
अब अगर इंडिया में फिल्मों की रिलीज के खास दिनों की बात करें तो ये दिन है दिवाली, ईद, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, और साउथ इंडस्ट्री में पोंगल, जब वहां की बड़ी फिल्मों को रिलीज किया जाता है। यही वजह है कि इन तीन बड़ी फिल्मों के मेकर्स अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर रिलीज कर रहे हैं। शायद मेकर्स बताना चाहते हैं कि ईद पर फिल्म रिलीज करने से ना चांस बढ़ जाते हैं फिल्म के सुपरहिट होने के। ईद के दिन रिलीज फिल्मों का इतिहास देखें तो इनमें सबसे बड़ा नाम है सलमान खान, और इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख की कभी खुशी कभी गम, चेन्नई एक्सप्रेस, डॉन जैसी फिल्में भी ना ईद पर ही रिलीज हुई थी। और सबसे बड़ा दिमाग ये होता है कि हिट नहीं भी हुई फिल्म तो भी बजट का बड़ा हिस्सा निकाल ही लेती है। मेकर्स को ये बात पता है कि फिल्में अगर फ्लॉप भी होती है तो भी इस मौके पर रिलीज होने की वजह से वो स्टार्टिंग में ठीक ठाक कमाई तो कर ही लेती है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, जी हाँ, भारत, ट्यूबलाइट और रेस 3, ये इन्हीं के एग्जाम्पल्स है। इनका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले उतना सुपर हिट फिल्मों की गिनती में ना आया हो, पर फिर भी इन फिल्मों ने ना पहले दिन का रिकॉर्ड या फिर ये कह ले कि पहले दिन का कलेक्शन तो भाई सही सही बना लिया था, जो कि 40 करोड़ के आसपास का रहा है या फिर इससे भी ऊपर रहा है। यही वजह है कि इस साल ये मौका कोई गवाना नहीं चाहता है। लेट्स सी किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान इस ईद पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिल्म फुटबॉल को सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है, जहां पर अजय में क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर नहीं, फिल्म 10 कमरे कमा पाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो वो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते हैं ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स जनरल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके पहले अक्षय कुमार की गोल्ड ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सलमान खान की सुल्तान ने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तो यहाँ अक्षय और आमिर पर सलमान खान भारी पड़े हैं, पर अगर मैदान ने 40 करोड़ रुपए कमाए जिसका इंटरनेशनल लेवल है तो अजय सब पर भारी पड़ेंगे। पर हमारी नजर पे फिल्म शायद 35 करोड़ के आसपास कमा सकती है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ड्रामा, पैट्रियोटिज्म और एक ऐसे एरा की बात है जिसे पर्दे पे देखने के बाद सब ऑडियंस पर डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे जो इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये मायने बहुत रखता है। तो ऐसे में 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग हो सकती है। वैसे 100 करोड़ के बजट में 30 करोड़ की ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी। अगर इन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई तो उसका भी फायदा हो सकता है फिल्म को। वैसे अजय देवगन की फिल्म को अगर चाइना में रिलीज किया गया ना तो फिर भाई बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना वाले बॉलीवुड फिल्में देखते हैं और जिसमें इमोशनल टच होता है उससे तो वो आराम से कनेक्ट होते हैं। आमिर खान की दंगल ले ले तो उसने वर्ल्ड वाइड 2400 करोड़ का बिजनेस किया था और अकेले चाइना ने 2000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दंगल। पर पीके दंगल बजरंगी भाईजान के बाद अजय देवगन की फिल्म रेड को भी चाइना में रिलीज किया गया था और चाइना गवर्नमेंट ने उसे रिलीज करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो इसे समझ में आता है कि अजय की फिल्म को वहां पर पसंद लोग कर सकते हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए मेकर्स और अजय चाइना रिलीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेकर्स को, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अजय देवगन की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान हमें इसलिए स्पेशल लगती है क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है, क्योंकि वो ऐसे रोल्स में कभी नजर, फिल्म 10 कमरे कमा पाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 करोड़ भी कमा सकती है। अब जो वो कहते हैं ना कि 10 करोड़ कमाएगी, हम उनसे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये अजय देवगन की फिल्म है भाई, और इतनी कम ओपनिंग तो वो नहीं ले सकते हैं ना। सेकेंडली 40 करोड़ ये तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है किसी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए। अगर मैदान ने 40 करोड़ पहले दिन कमा लिए तो वो एक रिकॉर्ड होगा स्पोर्ट्स जनरल की फिल्मों के लिए, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स फिल्मों में आमिर खान की दंगल ने ओपनिंग पर सिर्फ 29